सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जेएस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और मेंटोर भी। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा ITSM, ESSM और इसका गुरु। आज इस अमेंडमेंट सीरीज के पांचवे वीडियोस में हम कोर बैंकिंग सिस्टम के अमेंडमेंट्स और उसमें पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सीरीज का अमेंडमेंट सीरीज का हमारा अंतिम पांचवा वीडियो है। ध्यान से देखिए इस पांचवे और अंतिम सीरीज के वीडियो को। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को और उसके अंदर पाए जाने वाले अमेंडमेंट्स को। ये रहे आपके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंस्टीट्यूट ने EIS कोर्स के पांचों चैप्टर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। हम अब तक इस सीरीज में 4 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट और इनके इंपॉर्टेंस को देखा हमने, चैप्टर 2 के अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंस को देखा हमने, 3 के अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंस को देखा, 4 के अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट को देखा, और आज अपन देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंस को और उसके अमेंडमेंट्स को। इससे पहले हम एक सीरीज द्वारा क्या क्या डिलीट हुआ था पांचों चैप्टर्स में उनको लेके आ चुके हैं, और इन सब चीजों को आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारी चीजें रखते हैं। आपको उस वीडियो में हमारे द्वारा जो जो भी डिलीट हुआ है उसके लिंक मिल जाएंगे, जो जो भी अमेंड हुआ है उसके लिंक मिल जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिंक मिल जाएंगे। पूरे EIS कोर्स में और SM में क्या इस अगस्त, जुलाई अगस्त के बैच में इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा पूरे बैचेस के क्या क्या रिवीजन वीडियोस हैं EIS और SM के वो मिल जाएंगे, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं, अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नए नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि अब इस सीरीज के बाद बहुत सारी नई चीजें हम आपके लिए लाने जा रहे हैं, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते जुलाई अगस्त में। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है 5.1.3 ओवरव्यू ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम CBS। ये आपको पेज नंबर 11 पे, जो हमारे नोट्स दिए हैं उसमें पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड करना है। आइए आपको ओरिजिनल नोट्स दिखा देते हैं जो हमने आपको इशू कर रखे हैं या आपके पास अवेलेबल हैं। तो कहां है हमारा ये चैप्टर नंबर 5, जिसमें क्या आपको अमेंड करना है, देखें। मैं शुरू से बता देता हूं। वैसे तो मैंने डिलीट वीडियो में और बाकी चीजों में आपको बताया था, पर एक बार फिर से चूंकि अंतिम वीडियो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डिलीट हुए और क्या अमेंड करना है हमें। तो ये था हमारा चैप्टर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें देखें सबसे पहले क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें। ये पेज नंबर 3 पे हमें बैंकिंग सर्विसेज का एक डायग्राम हुआ करता था, जिसको हम देखा करते थे। इसी डायग्राम को उन्होंने थोड़ा सा नए तरीके से बना दिया है, तो कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये डायग्राम भी बना के आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी डायग्राम इंडिकेटिव ही हुआ करते हैं। उसके बाद जैसा हमने बताया था आपको, पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सप्लेन वेरियस चैलेंजेस इन IT बैंकिंग सेक्टर। ये शिफ्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 1 में टेक्नोलॉजिकल रिस्क के तौर पे। मैंने चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट में भी आपको पढ़ाया था, ये वहां पे अपन ने बिजनेस की रिस्क पढ़ी थी। तो ये वेरियस चैलेंजेस है हमारे टेक्नोलॉजी की, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, तीन पढ़ी थी अपन ने। तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क यहां से पढ़नी है। ये शिफ्ट हो गया, मतलब यहां डिलीट हो गया, चैप्टर 1 में इंक्लूड हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, 12 प्रकार की रिस्क इसमें बताई हुई थी, 12 प्रकार की। ये आपको शायद ध्यान होंगी, हमने पढ़ाई हुई थी आपको। तो बेसिकली ये आपने पढ़ रखा है, यहां से शिफ्ट होके 1 में गया, आपके पोर्शन से डिलीट नहीं हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो 4 से। आगे ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये पूरा डिलीट हो चुका है, इसको नए तरीके से इंस्टीट्यूट ने अमेंड करके भेज दिया है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये पूरा पोर्शन क्वेश्चन 3 का आप डिलीट कर लें, ये पूरा इसमें से हट गया है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर इसको आपने मार्क कर रखा है तो अच्छी बात, नहीं तो यहां अपन मार्क कर लेते हैं। यहां से लेके और पेज नंबर जाता है 10 तक, ये पूरा डिलीट हो चुका है। मतलब क्वेश्चन 2 तो शिफ्ट हुआ है कहां पे, यूनिट नंबर 1 में, और 3 वाला जो है वो पूरा डिलीट हो चुका है। और अब अपन आ गए हैं अमेंडमेंट में। जैसा मैंने कहा था पेज नंबर 11 पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हेडिंग था एक्सप्लेन कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ CBS। इस हेडिंग को हटा के लिखे ओवरव्यू ऑफ CBS, और यही इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट किया है पेज 11 में। तो यहां आया है अमेंडमेंट क्वेश्चन नंबर 4। बात आ गई सबको समझ में। चलिए अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या हमें पढ़ाना चाहती है अमेंडमेंट में। तो ये रहा अमेंडमेंट आपके सामने। आइए अपन चैप्टर नंबर 4 के अमेंडमेंट्स को देखते हैं।
क्या पढ़ना है अपने को इसके अमेंडमेंट में। तो ये रहा अभी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 11 जो हमारे सामने अमेंड हुआ है, ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस। कुछ कंपोनेंट बताया उन्होंने जिसको हमें एक एक करके देखना है। वैसे सीबीएस पढ़ते हुए सारी चीजें मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूं, इंस्टीट्यूट ने भले ही इसको अमेंडमेंट के तौर पर जोड़ी होगी लेकिन इन सब चीजों को कभी ना कभी हमने सीबीएस वाले चैप्टर में आपके लिए डिस्कस किया है क्लासेस में, और नहीं तो आप हमारे वीडियोस द्वारा भी इनको अपने चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है हमारे चैनल पे सब्जेक्ट EISSM के जितने वीडियो पड़े हैं, इस सब्जेक्ट के कोई और इतने वीडियो किसी चैनल पे आपको उपलब्ध नहीं होंगे, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप हमारे वीडियोस पे चले जाएं, आपको हर चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट में, नॉर्मल वीडियोस मिलेंगे क्लास के पढ़ाते हुए, रिविजन वीडियोज मिलेंगे आपको, MCQ वीडियोज मिलेंगे आपको, केस सिनारियो बेस्ड MCQ वीडियोज मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलने जा रही है। केवल आपको हमारे चैनल को ब्राउज करना है, सब्सक्राइब करना है और नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। चलिए सबसे पहला कंपोनेंट है बैक ऑफिस। हमने पढ़ाया था आपको बैक ऑफिस का मतलब होता है ये वो ऑफिस के लोग होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करते, तो हम कहते हैं ये फ्रंट ऑफिस के लोग नहीं है। बैक ऑफिस के लोग मतलब जनरली इनकी कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, इनका काम होता है जो अपन इसमें पढ़ेंगे। The back office is the portion of the company made up of administration and support personnel. कौन से लोग हैं ये? Administration के काम करने वाले, support देने वाले। Front end पे जहाँ पे बैठ के withdrawal, deposit और credit वगैरह अपन deal किया करते हैं, credit officers वो अलग लोग हैं, वो हमारे front office के होते हैं। ये उनके लिए background में कुछ काम किया करते हैं, उनकी फाइलों को देखना, उनकी credit suitability को देखना, ये सारा काम ये लोग किया करते हैं। Who are not client facing? तो एक खास बात क्या रखनी है अपने को याद इसमें, these are not client facing. Not client facing. आप इसके एक चीज को याद रख ले, हमें याद रखना है ये client facing नहीं होते, ठीक है? तो client, not client facing हमें एक चीज याद रखनी है इसमें। Back office function include settlements, clearance, record maintenance, regulatory compliance, accounting and IT services. सारे काम कैसे? Customer से कोई लेना देना ही नहीं है इनका, तो ये सारे काम जो कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करते वो बैक ऑफिस में बैठ के किया करते हैं। और मैं आपको बता दूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को भी अगर बैंक में सर्विस करनी है तो ये बैक ऑफिस ही संभालना होगा। मेरे पढ़ाए हुए कई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे घर के बगल में बिल्कुल एक ICICI बैंक की ब्रांच है वहां पे काम करते हैं, तो अक्सर जब मैं क्लासेस के लिए जाया करता हूँ एक्सेल अकेडमी तो रस्ते में मुझे मिल जाया करते हैं, तो मैं उनसे कई बार उनके हालचाल पूछ लेता हूँ, मेरे हालचाल पूछ लेते हैं, तो मुझे बताते हैं कि ये सारे काम जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो किया करते हैं, और इनमें कहीं ना कहीं उनको फ्लो चार्ट बड़ी मदद किया करते हैं जो हमने आपको पढ़ाए थे। तो अगर आपने भी फ्लो चार्ट ढंग से पढ़ा है तो कोर बैंकिंग जब आप बैक ऑफिस में बैठ कर काम करेंगे इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, और ऐसा आप भी हमें कहेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर अगर आप हमारे पुराने पढ़े हुए हैं तो बताइएगा। बैक ऑफिस प्रोफेशनल में ऑल्सो वर्क इन द एरिया लाइक मॉनिटरिंग एम्प्लॉइज कन्वर्सेशन एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट ट्रेडिंग फॉरबिडन सिक्योरिटीज ऑन देयर ओन अकाउंट्स, तो कुछ भी गलत सलत ना हो जाए इस बात का भी वो टेक केयर किया करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेटा वेयर हाउस, इसको तो अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। बेसिकली डेटा वेयर हाउस क्या होता है लिख लो इसके साइड में चाहे हो तो, कलेक्शन ऑफ बैंकिंग डेटा, सारे बैंकिंग डेटा को एक जगह ले आना, ये बैंक का डेटा वेयर हाउस बनाता है। तो सारे कलेक्शन ऑफ बैंकिंग डेटा एक जगह है वो हमारा बैंक का डेटा वेयर हाउस है। बैंकिंग प्रोफेशनल यूज द डेटा वेयर हाउस टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द वे दे गैदर द डेटा एंड फाइनली गेट टू वन क्लियर वर्जन ऑफ द ट्रुथ। आपको मालूम है हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के डेटा में काम कर सकता है, लेकिन जब डेटा वेयर हाउस पर हम डेटा को ले जाते हैं तो सारा डेटा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। हमने शायद चैप्टर 3 पढ़ाते हुए भी आपको कई तरीके के मॉडल पढ़ाए थे, हायरार्किकल, रिलेशनल डेटाबेस, फिर वो रिलेशनल डेटाबेस में भी हमने पढ़ाया था MS एक्सेस होता है, ओरेकल होता है, साइबेस होता है, पावर बिल्डर होता है, इन्फॉर्मिक्स होता है, MySQL होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे डेटाबेसेस को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है डेटा वेयर हाउस के लिए। डेटा वेयर हाउस टेक केयर ऑफ द डिफरेंट डेटा मैनेजमेंट, डाइजेस्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा एंड इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड मेक इट ईजियर फॉर द प्रोफेशनल टू एनालाइज द डेटा। तो अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को इकट्ठा करके एक जगह रखने का काम हमारा कौन करता है? डेटा वेयर हाउस करता है। बेसिकली इट इज लार्ज वेयर हाउस ऑफ डेटा या लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। तीसरा होता है क्रेडिट कार्ड सिस्टम। नॉर्मली नाम से पता चल रहा है क्रेडिट कार्ड डीलिंग्स में इसका उपयोग किया जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां इशू किया करती है उनके सेटलमेंट्स, उनकी बिलिंग साइकिल, उसको ये डिपार्टमेंट हैंडल किया करता है। बेसिकली कंपोनेंट है CBS का। क्रेडिट कार्ड सिस्टम प्रोवाइड कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, कस्टमर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, जनरल लेजर फंक्शन, प्रोवाइड द ऑनलाइन
ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन एंड सर्विस ऑफ द बैंक कार्ड इन विच ट्रांजेक्शन चैनल ऑफ द इशूइंग बैंक सपोर्ट। तो जिस तरीके का हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे उसकी साइकिल होती है, उस सब तरीके का काम हम इसके तहत इसमें किया करते हैं। सपोर्ट इन द पेमेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम द सिस्टम हैज ए फ्लेक्सिबल पैरामीटर सिस्टम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट फैक्ट्री बेस्ड डिजाइन कंसेप्ट टू स्पीड अप द प्रोडक्ट टाइम टू द मार्केट। तो क्रेडिट कार्ड से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो ये हैंडल किया करता है। तो आप इसके साइड में लिख सकते हैं मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑपरेशंस, मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, अब तक तीन कंपोनेंट पढ़ लिया अपन ने इसमें। पहला कौन सा पढ़ा अपन ओवरव्यू में? बैक ऑफिस, जो कि लोगों से डील नहीं करते, क्लाइंट फेसिंग नहीं होते। डेटा वेयर हाउस, कलेक्शन ऑफ डेटा। तीसरा क्रेडिट कार्ड सिस्टम, जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। आपको पता होगा ये कंसेप्ट जब से आया है उसके बाद बैंकों में 24 घंटे सातों दिन साल के 365 दिन बिना ह्यूमन इंटरफेस के हम लोगों को पैसा दे भी सकते हैं और पैसा उनका जमा भी कर सकते हैं। जगह जगह ATM मशीन्स लगी होती हैं, कई जगह सिक्योरिटी है, कई जगह सिक्योरिटी नहीं भी है, वो एक अनदर इशू है। लेकिन हम देखते हैं ATM ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी ओरियो में एक अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ है। An automated teller machine ATM is an electronic banking outlet that allows the customer to complete basic transaction without the aid of branch representative or teller. आज मेरे को बताओ इस कोविड सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में, जब बैंकें भी मिनिमम स्टाफ के साथ काम कर रही है, अगर ये ATM नहीं आए हुए होते तो बैंक में कितना केओस हो जाता, सोचो आप। लेकिन ATM लगे हुए तो क्या है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन में छूट है लोग अपने आप बैंक ATM में जाते हैं, पैसे विड्रॉल करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, काम आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्प करती है और मैं कहूँगा ये कोविड सिचुएशन हम टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज है, हम लोगों के लिए अभिशाप में वरदान है कि हम बहुत सारा काम इस कोविड सिचुएशन में कर पाए। ठीक है ना, तो आपको अवसर ढूंढने पड़ते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक पैसिमिस्टिक और एक ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक जो होते हैं वो हमेशा हर चीज़ में निराशावादी रवैया रखा करते हैं। जैसे अगर उनको आप आधा गिलास पानी का दोगे तो वो कहेंगे आधा ही मिला। मेरे जैसे कुछ जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे वो क्या कहेंगे, आधा तो मिला, लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। तो आप हमेशा क्या करें, हर चीज में अवसर तलाशा करें। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या बोला, आपदा में अवसर है भारत के लिए, अगर हम चाहें तो अपने लोकल प्रोडक्ट को वोकल बना के ग्लोबल बना सकते हैं। हमें भी वही करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपनी हर चीज को अभिशाप से वरदान में कन्वर्ट कर देना है। Anyone with a credit card and debit card can access most ATM. ATMs are convenient, allowing consumer to perform quick self-service transactions from every banking like deposits and withdrawals to more complex transactions like bill amounts and bill payments and transfer. तो बहुत सारे काम इसकी मदद से अपन कर सकते हैं और ATM आपको मालूम है बहुत सारी सुविधा आपको देता है। मेरे ख्याल से हम सब लोग जिंदगी में कभी ना कभी ATM ऑपरेशन कर चुके हैं। तो लिखे इसके साइड में मैनेजिंग ATM operations, बस इतना याद रखना है इसके बारे में, आ जाए तो लिख दो। चार कंपोनेंट हो गए, साथ साथ याद करते चलो। पहला ओवरव्यू में क्या था, बैक ऑफिस। दूसरा क्या था हमारा, डेटा वेयर हाउस। तीसरा क्या है हमारा, क्रेडिट कार्ड सिस्टम। चौथा क्या है हमारा, ATM machines। पांचवा जाता है सेंट्रल सर्वर। ठीक है ना, सेंट्रल सर्वर क्या है, ये हमारा मेन प्रोसेसर सर्वर है जो सभी कामों को नियंत्रित किया करता है। जैसे एक कंप्यूटर में CPU होता है जो उस कंप्यूटर के सब कामों को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमारे CPS सिस्टम में एक सेंट्रल सर्वर होता है, मुख्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो सबको मैनेज किया करता है। इनिशियली इट इज यूज्ड टू टेक एटलीस्ट ए डे फॉर द ट्रांजेक्शन टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द रियल अकाउंट बिकॉज ईच ब्रांच हैड देयर लोकल सर्वर्स एंड द डेटा फ्रॉम द सर्वर इन ईच ब्रांच वॉज सेंड टू द बैचेस टू द सर्वर इन द डेटा सेंटर ओनली एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशन। ये पुरानी बात है, जब डेटा सेंटर्स या हमारे सेंट्रल सर्वर ऑनलाइन रियल टाइम नहीं हुआ करते थे तो सेटलमेंट में कम से कम 24 घंटे का समय लग जाता था, मतलब बैंकों से बैलेंस रिफ्लेक्ट होने में। लेकिन आज का सारा काम कैसा होता है, ऑनलाइन रियल टाइम। और ये काम कौन कर रहा है हमारे यहाँ, सेंट्रल सर्वर कर रहा है। जैसे ही आप जिस इंस्टेंट पे आप ट्रांजेक्शन करते हो, इमीडिएटली वो जाके सेंट्रल सर्वर को हिट करता है, वो इमीडिएटली डेटा वेयर हाउस पे जाके उसको हिट करता है और इमीडिएटली डेटा अपडेट होके सेंट्रल सर्वर को वापस नोटिफाई कर दिया जाता है और वो SMS के माध्यम से आपके मोबाइल के ऊपर या आपके ईमेल में हम आपको रिफ्लेक्ट कर दिया करते हैं। ये सारा काम कौन कर रहा है आपको, सेंट्रल सर्वर करके दे रहा है।
However, nowadays, most banks use core banking application to support their operation, creating a centralized online real-time exchange environment, जिसे अपन core भी कहा करते हैं। मेरे ख्याल से core banking पढ़ाते हुए सबसे पहले दिन का मेरे lecture में इस पर काफी detailed discussion हो चुका है। This means that all the bank branches access applications from the centralized data center servers. Therefore, any deposit made in any branch are reflected immediately and the customer can withdraw money from any of the branch throughout the world. तो अब ये रियल टाइम होने से क्या हो जाता है, हम इमीडिएटली किसी चीज को रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं पैसा बैंक में अब कितना बचा हुआ है, और उस रियल टाइम में हम चाहें तो फर्दर विड्रॉल या फर्दर डिपॉजिट भी इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल सर्वर का काम क्या हो गया, लिखो, इट इज कोर CORE ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस ऑपरेशंस। तो लिखो आप, कोर ऑफ एनी सेंट्रलाइज ऑपरेशन हमारे सेंट्रल सर्वर का काम है। पांच कंपोनेंट हो गए, याद करते चले अपन, कौन कौन सा, ये देखो एमसीक्यू में भी याद करना पड़ेगा अपने को, बैक ऑफिस, उसके बाद सेकंड डेटा वेयरहाउस, थर्ड क्रेडिट कार्ड, फोर्थ एटीएम, फिफ्थ सेंट्रल सर्वर। चलो सिक्स की बात करते हैं, नंबरिंग भी लगा लेंगे इनके ऊपर, नंबर लगा लो फिर से। पहला बैक ऑफिस, दूसरा डेटा वेयरहाउस, तीसरा क्रेडिट कार्ड, चौथा एटीएम, पांचवा सेंट्रल सर्वर, और अब छठा डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। ये तो मेरे ख्याल से ना भी पढ़ाऊं तो आप सबको पता है कि कभी ना कभी हम सब ने अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने भाई बहनों के लिए इसका उपयोग किया है। तो मोबाइल बैंकिंग है जब हम लोग इसको स्मार्टफोन पे किया करते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है जनरली हम डेस्कटॉप मशीन पे, लैपटॉप मशीन पे, फिक्स मशीन पे इसको किया करते हैं। मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द स्क्रीन्स हैव चेंज। मतलब हमारी इंटरनेट बैंकिंग में बड़े बड़े डेस्कटॉप मशीन्स होती है, लैपटॉप्स होते हैं, जबकि मोबाइल बैंकिंग में हमारा लैपटॉप होता है, हमारा स्मार्टफोन होता है और उसकी स्क्रीन होती है। द साइजेज हैव बिकम स्मॉलर एंड बैंकिंग हैज बिकम सिंपलर। मोबाइल बैंकिंग इज मच द लेटेस्ट एंट्रेंट इन टू द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग, है ना। और कोविड सिचुएशन में तो इसने हमारा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया है, अब तो हम अपने हाथ में मोबाइल फोन में पूरी बैंक लेके चला करते हैं। तो लिखे इसके साइड में, फिर अपन दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की। इसमें तो लिखे इसमें बैंकिंग थ्रू इंटरनेट ऑब्लिक मोबाइल, इन दो की चीजें पढ़ेंगे। तो पहले इंटरनेट बैंकिंग आया, फिर मोबाइल बैंकिंग आया, है ना। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मोबाइल बैंकिंग में क्या इंटरनेट का उपयोग नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का पहले फर्क समझ ले, इंटरनेट का उपयोग दोनों में ही होता है, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट नहीं होता या मोबाइल बैंकिंग में इंटरनेट नहीं होता, दोनों में इंटरनेट का उपयोग होता है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग स्पेसिफिकली कहा गया है जब आप डेस्कटॉप पे और जब आप लैपटॉप पे www वेबसाइट्स पे जाके उस काम को करते हैं। सपोज करो मेरा बैंक है ICICI, तो अगर मैं https://www.icici.com पे जाके काम करता हूं तो वो इंटरनेट बैंकिंग है। लेकिन अगर मैं ICICI के ऐप पे बैठ के इसको अपने मोबाइल से यूज करता हूं तो इसको अपन नाम देंगे मोबाइल बैंकिंग। इतना अंतर है जो आपको समझ रहा है। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल द कस्टमर ऑफ द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। तो किस पे हो रहा है ये काम, वेबसाइट पे हो रहा है। तो आपको एमसीक्यू के लिए तैयार करना है, हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए, है ना। तो एमसीक्यू पे वेबसाइट याद रखेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए। द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ऑफर 250 सर्विसेज, ये भी याद रखना, कितनी सर्विसेज मिल रही है अपने को, 250 से ज्यादा सर्विसेज मिल रही है। एंड फैसिलिटीज दैट गिव अस द रियल टाइम एक्सेस टू अवर बैंक अकाउंट, वी कैन मेक एंड रिसीव पेमेंट ओवर बैंक अकाउंट, ओपन फिक्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट, व्यू अकाउंट डिटेल, रिक्वेस्ट चेक बुक, लॉट मोर, जो अपने मोबाइल पे करते हैं सारे ऑपरेशन मिलते हैं इस पे। तो हम कह सकते हैं मोबाइल बैंकिंग का ये प्रीडिसेसर है, उसका पूर्वज है ये। अब आ जाओ बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की, जो हमारे स्मार्टफोन पे हुआ करती है, इसके भी बैकबोन में इंटरनेट ही काम आता है। इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स दैट अलाउ द कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट अलाउ इट्स कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिमोटली यूजिंग द मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट। अनलाइक द रिलेटेड इंटरनेट बैंकिंग इट यूजेज द सॉफ्टवेयर यूजुअली कॉल्ड एज ऐप। ये काम किस पे होता है, ऐप पे होता है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए आप तैयार कर लें, उस पे किस पे होता है, वेबसाइट पे। इसमें किस पे होता है, ऐप पे। प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज, मोबाइल बैंकिंग इज यूजली अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस पे। इवन तो इंटरनेट बैंकिंग भी आजकल उपलब्ध है, पर हमारी मोबाइल बैंकिंग 24/7 की गई है
इस खास तरीके की सिचुएशन को यूज में लाने के लिए। एक और होती है इसमें, इसको कहते हैं अपन फोन बैंकिंग, मतलब बिना बैंक गए हुए फोन के द्वारा भी आप विड्रॉल डिपॉजिट और कई तरीके की क्रेडिट सुविधाएं ले सकते हैं। इट इज ए फंक्शनलिटी थ्रू विच कस्टमर कैन एग्जीक्यूट मैनी ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन सर्विसेज थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर ऑफ बैंक ओवर द फोन विदाउट द नीड टू विजिट अ बैंक। तो ये किसके ऊपर होती है? नॉर्मल जो फोन होता है हमारा उसके थ्रू होती है। फोन आपका लैंडलाइन भी हो सकता है, फोन आपका मोबाइल भी हो सकता है, और ATM। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोबाइल नंबर इन एन अकाउंट इज वन ऑफ द बेसिक प्री रिक्विजिट टू अवेल द फोन बैंकिंग। तो आपको फोन में अपना एक नंबर रजिस्टर्ड कराना होता है जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड लैंडलाइन नंबर होता है आपका। द यूज ऑफ द टेलीफोन बैंकिंग सर्विसेज हाउएवर हैज बीन डिक्लाइनिंग इन फेवर ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि हमेशा हर समय फोन के साथ उसको करना, फिर किसी एक व्यक्ति से बात करना या IVRS सिस्टम से बात करना उतना ईजी नहीं होता है। हम इंटरनेट द्वारा या मोबाइल बैंकिंग द्वारा अपना उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चेक बुक इशू रिक्वेस्ट, स्टॉप पेमेंट रिक्वायर्ड, ओपनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द सर्विसेज विच आर अवेल्ड बाय द फोन बैंकिंग। तो फोन बैंकिंग आप कह लें सबसे पुराना है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद मोबाइल। अगर इनकी अगर मैं सिक्वेंसिंग करूँ तो दुनिया में सबसे पहले क्या आया? फोन बैंकिंग। फिर क्या आया? इंटरनेट बैंकिंग। फिर क्या आया? फिर क्या आया? मोबाइल बैंकिंग, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों एक जगह यूज नहीं हो सकते। एक बैंक तीनों फैसिलिटी देती है और आप तीनों एज ए कस्टमर उपयोग में ला सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है इसमें? मोबाइल बैंकिंग। चलिए तो सिक्स पढ़ लिया अपन ने। अच्छा एक और है, ब्रांच बैंकिंग, पर्सनली जाना पड़ता है इसमें, इसमें पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। तो विजिट किस में होता है? ब्रांच बैंकिंग में होता है, बाकी किसी में विजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चार ऑपरेशन हो गए हमारे कुल मिला के, किसके? मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में अपन ने चार ऑप्शन देख लिए। एक ब्रांच बैंकिंग, मतलब जाना पड़ेगा। फोन बैंकिंग, फोन पे करोगे, चाहे लैंडलाइन करो चाहे मोबाइल से करो। फिर इंटरनेट बैंकिंग, वेबसाइट पे करो। फिर स्मार्टफोन में मोबाइल बैंकिंग कहलाती है। CBRs आर द बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सीमलेस वर्क। सीमलेस का मतलब होता है पता ही नहीं चले हमें कि भाई हम बैंक में गए हैं तो हमारे को कोई काम में दिक्कत आ रही है। वर्क फ्लो बाय ऑटोमेटिंग द फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रोसेस विद इन द बैंक। काम अपने आप एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं तो अपने आप कामों को अंजाम दे दिया जाता है। CBS enables सिंगल व्यू ऑफ द कस्टमर डेटा अक्रॉस ऑल द ब्रांचेज इन अ बैंक। जैसे आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो इमीडिएटली इसकी जानकारी क्रेडिट कार्ड वाले को चली जाएगी, इमीडिएटली जानकारी ATM वाले को चली जाएगी। तो यहाँ जैसे आप बैंक को, बैंक अकाउंट ओपनिंग इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे, इधर आपके ATM और क्रेडिट कार्ड को इशू करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसको कहते हैं अपन सीमलेस वर्कफ्लो या सीमलेस वर्किंग, दोनों फ्रंट एंड बैक एंड को जोड़ के। And thus facilitate the information across the delivery channel. The branch confine itself to the following key function. Branch पे क्या क्या काम होते हैं आओ देख लें अपन। Creating manual document, capturing data required for input into the software. तो यहाँ पे vouchers वगैरह होते हैं, physical documents होते हैं जिनको अपन एक व्यक्ति द्वारा feed करवाते हैं bank का जो clerk होता है या bank के front end पे बैठा जो व्यक्ति होता है उससे। Internal authorization, loan देना है या नहीं देना है या ये check pass करना है नहीं करना है वगैरह। इनिशिएटिंग बिगिनिंग ऑफ द डे ऑपरेशन, सुबह जब 9 बजे बैंक शुरू होती है तो बैंक का मैनेजर इसको ब्रांच ऑपरेशन के तौर पे शुरू करता है। इसी तरीके से जैसे 4 बजे ट्रांजेक्शन खत्म होता है, 5 बजे खत्म होता है तो एंड ऑफ द डे ऑपरेशन क्लिक करता है ताकि उसके बाद फर्दर कोई ट्रांजेक्शन सर्वर पे हिट नहीं कर सके ब्रांच से, है ना। बाकी इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग तो चलती रहेगी। रिव्यूइंग द रिपोर्ट फॉर द कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन पर्पस, ये भी सब काम होते हैं। तो बेसिकली हमने कितने कंपोनेंट देखे इसमें? 6 कंपोनेंट देखे। याद कर लेंगे फिर से ओवरव्यू में कौन से 6 कंपोनेंट देखे भी अपन ने। बैक ऑफिस देखा सबसे पहले, जो कि क्लाइंट से डील नहीं करते, नॉट क्लाइंट फेसिंग। दूसरा डेटा वेयर हाउस, ये कलेक्शन होता है उसका। तीसरा क्रेडिट कार्ड सिस्टम, जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा अपन सारा काम करते हैं। चौथा ATM, जो कि एनीवेयर बैंकिंग भी कहलाता है। कई बार ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब 24/7 पैसा दे सकता है, पैसा जमा कर सकता है। उसके बाद सेंट्रल सर्वर, जो कि हमारे सारे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, ये एक तरीके से सिंगल कंप्यूटर का CPU जैसा ऑपरेशन है। और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें 4 ऑपरेशन आए हमारे, ब्रांच ऑपरेशन, उसके बाद फोन बैंकिंग, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग। क्लियर है भाई? 6 चीज़ें समझ में आ गई सबको। मैं डिटेल में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है आप घर पे पढ़ोगे नहीं इसको ढंग से, इसलिए मैं इसको सब तरीके से पढ़ा देता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे सर ऊपर ऊपर से समझा देते तो ठीक रहता है, पर मुझे मालूम है इस समय बार बार एग्जाम डिले होने के कारण आप कितने डिसहार्टन हो चुके हो, इसलिए
टू कीप यू मोटिवेटिंग, मैं ही हर चीज आपको करवा के दे रहा हूं ताकि घर पे आपको पढ़ने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, कोई शब्द भी पढ़ने में समझने में आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में ले रहा हूँ। और नॉर्मली हमारा क्लास में पढ़ाने का तरीका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है ताकि घर में भी किसी बच्चे को पढ़ते हुए कोई दिक्कत नहीं आए, हमारे सारे नोट्स ऐसे ही बने हुए हैं। और जैसा मैंने बताया था कि नोट्स अब तक मेरे ख्याल से अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा जहाँ ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, पत्रासर नाम का एक ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है जिसमें CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल के सभी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होने जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मतलब सारी कवरेज देने जा रहे हैं। अकेला केवल मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा, CA फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट आने जा रहे हैं, CA इंटरमीडिएट के आठों सब्जेक्ट आने जा रहे हैं और CA फाइनल के भी सब्जेक्ट आने जा रहे हैं। उनके साथ उनके वीडियोज़ होंगे, उनके टेस्ट सीरीज होंगी, उनके बुक्स रीडेबल फॉर्मेट में होंगे, आप चाहो तो उन बुक्स को फर्दर परचेज भी कर सकते हो। और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म copykitab.com जो है हमारे साथ जुड़ चुका है, जिसके 6 मिलियन कंज्यूमर्स हैं जो कि एक्टिव हैं, और हम उनके साथ मिलकर इस चीज़ को ला चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस पिछले कुछ दिनों से जब से हमने इसको लॉन्च किया हमें मिल रहा है। अब तक आपने अगर उसको ऐप को वहां से डाउनलोड नहीं किया है तो मैं कहूंगा जरूर आप उसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के साथ चूंकि हमने आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए और उनकी हेल्प के लिए बनाया है, इसलिए जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारा ये ऐप भी आपको उतना ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। तो मैं फिर से कहूंगा शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और कम से कम 10 दूसरे बच्चों तक अपने डिफरेंट ग्रुप्स में उसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इससे फायदा हो सके। फाउंडेशन से लेके फाइनल तक सभी सब्जेक्टों की जानकारी इसके अंदर उपलब्ध होने जा रही है। इसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज होगी, इसके अंदर फ्री बुक्स मिलेंगे, इसमें मेरा काउंसलिंग सेशन आएगा, मेंटरिंग सेक्शन आएगा और बहुत सारी और चीज़ें मैं इसके साथ लॉन्च करने जा रहा हूँ। आपकी पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी मैं समय दूंगा और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस भी मैं इसमें लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर आने जा रही है, इवन पुराने कोर्स, ओल्ड कोर्स, ITSM की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उसके समरी नोट्स भी रख रखे हैं जिसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो और हमारे ऐप पे पढ़ सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इवन इसका का मैंने मटेरियल रख रखा है ओल्ड कोर्स का, जो हमारे ओल्ड कोर्स के फाइनल के कोर्स का था, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसके ऊपर उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हमने दे रखी है। जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, आपको सर्च करना है पत्रासर, इतना आप लिखेंगे तो हमारा ऐप आपको दिख जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लें और बहुत अच्छी सुविधाएं आपको उसके अंदर मिलने जा रही है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, चलिए स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक को, 5.3.1 रिस्क एसोसिएटेड विद CBS। जैसा मैंने बताया इंस्टीट्यूट ने पुराना जो था उसको पूरा ही हटा दिया है और नए तरीके से इसको जारी किया है, तो अपन नए तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 33 पे हमारे को ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा भाई ये हमारे को मिलेगा पेज नंबर 33। वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कहाँ मिलेगा ये, चैप्टर नंबर 5 में हमारे को पेज नंबर 33 पे मिलने जा रहा है। तो देखिए अभी पेज नंबर 33 पे हमें क्या मिलने जा रहा है, तो ये देखें पेज नंबर 33 आपके सामने, पेज नंबर 33 पे हमें ये चीज चेंज कर देनी है, रिस्क एसोसिएटेड विद CBS। तो देखें भाई रिस्क एसोसिएटेड विद CBS में हम क्या चीजें चेंज करने जा रहे हैं पेज नंबर 33 के ऊपर। ये देखें भाई पेज नंबर 33 के ऊपर आगे हम पेज नंबर 33 यहां से हम चीजों को चेंज करने जा रहे हैं। पेज नंबर 33 इज कमिंग बिफोर यू, दिस इज पेज नंबर 33 और हम अमेंड करेंगे 5.3.1 IT रिस्क इन CBS। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था IT रिस्क इन CBS, यहाँ हमने अमेंड किया है और रिस्क एसोसिएटेड विद CBS आपके सामने ले आए हैं। यहाँ पे इस चीज को आपको जोड़ना है, बात आगे क्या सबको समझ में भाई। चलिए अब क्या पढ़ना है, आओ उसकी बात कर लेते हैं अपन सभी लोग, हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो देखें भाई क्या पढ़ना है इसमें, अरे एक चीज खुल गई, मैं ये भी पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी आपको, वो है EIS केस बेस्ड सिनारियो MCQ। बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें सबसे पहले मैं केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और फिर उनके MCQs को सॉल्व करेंगे। तो एक अलग से इसकी सीरीज मैं जारी करने जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो वीडियो के अंत में बताता लेकिन चूंकि ये खुल ही गया है तो मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी एक अलग से सीरीज आ रही है मेरी जिसमें मैं केस बेस्ड सिनारियो MCQs EIS के डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिर मैं एक MCQ सीरीज लेके आऊंगा SM की, उसमें केस बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम में, इस एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, जुलाई अगस्त वाले एग्जाम में, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, जुलाई अगस्त वाले एग्जाम में EIS में केस बेस्ड सिनारियो आएंगे, SM में भी आएंगे और SM में खास तौर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी केस बेस्ड सिनारियो आएंगे। मैं दोनों को अलग अलग सीरीज में डिस्कस करूंगा, तो ये अमेंडमेंट का लास्ट सीरीज का क्वेश्चन, लास्ट वीडियो जरूर होगा लेकिन इसके बाद भी हमारी कई अलग अलग सीरीज आपके साथ जारी रहेंगी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जुड़े रहें हमसे,
स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। तो हम इसको भी बहुत जल्दी आपके सामने शेयर करेंगे। अभी अपन अमेंडमेंट पे ध्यान देते हैं जो आज अपन पढ़ के फिनिश करने वाले हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद CBS। सबसे पहली रिस्क होती है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है? आपका काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है वही चलने से रुक जाए। तो पहले साइड में मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। लिखें, ऑपरेशंस आर स्टॉप। जैसे इस कोरोना की सिचुएशन में हमारे ऑपरेशंस स्टॉप्ड हो गए, क्या हम फेस टू फेस क्लास ले पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये रिस्क क्या कहलाएगी? ऑपरेशनल रिस्क, है ना। कई समय तक लॉकडाउन रहा और अभी भी कई एरिया जो रेड जोन में है या कंटेनमेंट में है वो तो खुल ही नहीं रहे हमारे, तो ये रिस्क क्या कहलाएगी उनके लिए? ऑपरेशनल रिस्क, काम ही रुक गया उनका। इट इज डिफाइंड एज अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस। ये कहाँ कहाँ से आते हैं भाई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। MCQ के लिए तैयार कर लें इसको, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशनल रिस्क किस प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या दोनों? दोनों ही हो सकती है। विद अ बैंक विच कुड बी एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस। आपका प्रोसेस ही ठीक नहीं है। पीपल और सिस्टम, लोग जानबूझ के फ्रॉड करना चाहते हैं, या आपके सिस्टम में कोई एनोमली है, कमी है, वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, तो आपका सिस्टम ऑपरेशन करने से रुक जाएगा। ऑपरेशनल रिस्क नेसेसरली एक्सक्लूड बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में बिजनेस और स्ट्रेटेजिक रिस्क शामिल नहीं, हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम करने के ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस लाती है। द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। जैसे मैं बैंक में काम किया करता था, बैंक के खोलने से मुझे रोक दिया सरकार ने कि भाई वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, आप ऐसे एक भीड़ भड़ा वाले इलाके में रहा करते हैं तो आपको बैंक की ब्रांच ही नहीं खोलने देंगे। तो बताओ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कर पाऊंगा क्या मैं? बैंक के ब्रांच ऑपरेशन कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा ना। तो ये क्या कहलाएगा मेरे यहाँ पे? ये कहलाएगा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोई हैक ही कर ले, है ना। फिर लीगल रिस्क, मैं कोई नियम कायदे को उल्लंघन कर बैठूं तो कंप्लाई। अब जैसे कोविड की सिचुएशन, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आप बैंक में भीड़ इकट्ठी कर लो लोगों को पैसे देने के विड्रॉल के चक्कर में, तो लीगल रिस्क आ जाएगी। कंप्लाइंस रिस्क, आपने RBI का कोई नियम नहीं माना। पीपल रिस्क, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो हैक कर ले, मैलाफाइड इंटेंशन से नुकसान पहुंचा दे, तो ये सब चीज़ें आपके ऑपरेशनल रिस्क को बढ़ाती हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशंस में काम करने में कमी लाना या उसको काम करने से रोक देना। सेकेंड रिस्क, क्रेडिट रिस्क से पहले कुछ और जो बातें लिखी है पढ़ लेते हैं। पीपल रिस्क अराइज फ्रॉम द लैक ऑफ ट्रेंड की पर्सनल। मतलब लोग आपके यहाँ ज़्यादा काम को करने में होशियार नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या उनको अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, लोग आपके रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ कर लेते हैं। अनऑथराइज एक्सेस टू डीलिंग रूम्स एंड नेक्सेस बिटवीन, नेक्सेस मतलब गठजोड़, बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफिस, दोनों लोग मिलकर फ्रॉड कर लेते हैं, उसको नेक्सेस कहते हैं। प्रोसेसिंग रिस्क अराइज बिकॉज फॉल्टी रिपोर्टिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलपमेंट टू द बैंक मैनेजमेंट। सही तरीके से तस्वीर नहीं पेश की जाए, गलत कैलकुलेशन पेश कर दी जाए, वो जानबूझ के हो या फॉल्टी प्रोसेसिंग के कारण हो जाए, रिपोर्टिंग प्रोसीजर के कारण हो जाए। मे ऑल्सो अकर ड्यू टू एरर इन एंट्री ऑफ डेटा और सब्सिक्वेंट बैंक कंप्यूटेशन। या तो डेटा एंट्री में कोई गलती हो जाए या आपके प्रोसेसिंग ऑपरेशन में गड़बड़ हो जाए। लीगल रिस्क अराइजेज बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट, प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करो, कोर्ट में चला जाए, PIL दाखिल कर दे, है ना, आपके खिलाफ। द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, वो आपने ठीक नहीं किया, और बिजनेस प्रैक्टिसेज ऑफ द बैंक ठीक नहीं है इसलिए लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। देयर आर काउंटलेस एग्जांपल ऑफ बैंक बीइंग टेकन टू कोर्ट बाय द डिसग्रंटल कॉर्पोरेट कस्टमर्स। डिसग्रंटल मतलब भ्रष्टाचरण वाले, कमी देखते हुए आपके काम को वो बैंक को कोर्ट में ले जाया करते हैं और फिर कंपनसेशन मांगा करते हैं। हु क्लेम दे वर मिसलेड बाय द एडवाइस गिवन टू देम और द बिजनेस प्रोडक्ट सोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में भी डिस्प्यूटेड। तो फिर आपको हर्जाना पे करना पड़ता है और बैंक इमेज खराब होती है, सॉल है। तो ये सब चीज़ें हमारी ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? आपका जो लोन आपने दिया है वो लोन जो है वो एक तरीके से इररिकवरेबल हो जाए, NPA की तरफ चले जाए। तो लिखो इसको और फिर मैं बताता हूँ इसमें खास बात आपको। लोन बिकम्स NPA और इररिकवरेबल, लोन आपका नहीं आ रहा है, तो क्रेडिट रिस्क हो जाएगी। और आज ही वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ऐसे ही क्रेडिट रिस्क जो है कि सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए और बैंकों को रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा पैकेज जारी किया है। आप सबने आज उनकी स्पीच को सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें कही गई है उसमें, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। इट इज़ अ रिस्क दैट एन एसेट और ए लोन बिकम्स इररिकवरेबल इन द केस ऑफ आउटराइट डिफॉल्ट, है ना। जैसे नीरव मोदी,
जैसे विजय माल्या, इनके लोन ही क्या हो गए, एनपीए या इररिकवरेबल टाइप ही आ गए हमारे, तो क्रेडिट रिस्क ही है ये लोग, और द रिस्क ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड डिले इन द सर्विसिंग ऑफ लोन, जैसे कोविड की सिचुएशन है तो लोन को हम 3 महीने 6 महीने सर्व करने में डिले पाते हैं, तो ये सब चीजें इसमें कवर हो सकती हैं। सिंस द बैंक एंड द बोरोवर्स यूजुअली साइन ए लोन कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट रिस्क कैन बी कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, इसको अपन काउंटर पार्टी रिस्क भी कह सकते हो, तो ये वर्ड याद रखना, हो सकता है क्रेडिट रिस्क के लिए एमसीक्यू में हमसे पूछ लिया जाए भाई किसको काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं, तो क्रेडिट रिस्क उसमें से सही ऑप्शन होगा। तो इसमें अपन नीरव मोदी, या विजय माल्या का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ये दोनों क्रेडिट रिस्क के एग्जांपल हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है, लॉस इन इक्विटी प्राइसेस क्या कहलाता है हमारा, मार्केट रिस्क। मार्केट में आपकी इक्विटी के प्राइसेस बहुत कम हो जाए तो हम इसको कहेंगे मार्केट रिस्क क्रिएट हो गई। मार्केट रिस्क रेफर टू द रिस्क ऑफ लॉसेज इन द बैंक ट्रेडिंग बुक ड्यू टू चेंजेस इन द इक्विटी प्राइसेज, इंटरेस्ट रेट है ना कम हो जाए ज्यादा या आपको कम मिले, क्रेडिट स्प्रेड जो है आपका कम हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिवर्स आपको इम्पैक्ट करे, कमोडिटी प्राइसेस रिवर्स आपको इम्पैक्ट करे, अदर इंडिकेटर हूज वैल्यूज आर सेट इन पब्लिक मार्केट। जैसे आज कल जो पीएम का स्पीच हुआ था उसके बाद में मार्केट में आज हमें सबको पता था मार्केट आज अपबीट खुलेगा, करीब 1000 पॉइंट का जो है वो इंक्रीमेंट देखा गया था, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर उल्टा ही हो जावे कुछ तो क्या देखेंगे अपन, मार्केट डिप करता है, तो वो भी हमारी चीज़ें मार्केट रिस्क में मानी जाएंगी क्योंकि पब्लिक से डीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। टू मैनेज द मार्केट रिस्क बैंक डिप्लॉय सेवरल हाईली सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो इसके लिए वो कई तरीके के एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज करते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो कितने रिस्क देख लिए अपन ने, 3 रिस्क देख लिए अपन ने, पहली ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड क्रेडिट रिस्क, तीसरी मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे ऑपरेशन करने में आपको दिक्कत आए, आप काम नहीं कर पाए। मार्केट क्रेडिट रिस्क सेकंड था, मतलब क्या होता है, लोन आपका इररिकवरेबल हो जाए। एग्जांपल याद रख ले नीरव मोदी और विजय माल्या, मेरे ख्याल से ये याद भी रखने की जरूरत नहीं होती, ये दो तो हमारे भगोड़े याद ही रहते हैं हमारे को, हमारे जवान पिछड़े रहते हैं। मार्केट रिस्क तीसरा होता है जो आज की सिचुएशन के अंदर है, लॉसेज इन इक्विटी प्राइसेज या इंटरेस्ट रेट का कम मिलना, ये कुछ एक नई रिस्क हो सकती है सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में। फोर्थ आ जाती है हमारी स्ट्रैटेजिक रिस्क, फोर्थ रिस्क जिसको हम कहा करते हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटर के कारण आपको जो है रिस्क झेलनी पड़ रही है, तो इसको हम नाम देंगे स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क समटाइम रेफर टू एज ए बिजनेस रिस्क, तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारे यहाँ पे, बिजनेस रिस्क। जैसे काउंटर रिस्क नाम, काउंटर पार्टी रिस्क किसका नाम था हमारे यहाँ पे, क्रेडिट रिस्क का नाम था। तो ये भी एमसीक्यू में आपसे हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। स्ट्रैटेजिक रिस्क का दूसरा नाम क्या है, बिजनेस रिस्क। कैन बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द अर्निंग डिक्लाइन, अर्निंग इसमें डिक्लाइन करेगी ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल न्यू कॉम्पिटिटर और चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें कस्टमर की डिमांड में परिवर्तन देखते हैं या कॉम्पिटिटर द्वारा एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च की जाती है जिससे हमें नुकसान झेलना पड़ता है, तो इसको हम स्ट्रेटेजिक रिस्क कहा करते हैं। तो इसके साइड में अपन लिख ले ड्यू टू कॉम्पिटिशन। तो चार रिस्क हो गई हमारी, याद कर लें कौन कौन सी, सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क, सेकेंड क्रेडिट रिस्क, तीसरा मार्केट रिस्क, चौथा स्ट्रेटेजिक रिस्क। याद करते चले साथ साथ, पीछे अपने टॉपिक पढ़ा था 6 प्रकार की चीजें थी उसके अंदर, ठीक है, इसमें अब तक 4 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। चले आगे डिस्कस करते हैं कंप्लायंसेस रिस्क। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने अबाइड बाय नहीं किया। कंप्लायंसेस रिस्क इज द एक्सपोजर टू द लीगल पेनल्टीज, फाइनेंशियल पेनल्टी एंड मटेरियल लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस व्हेन इट फेल्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्री लॉ एंड रेगुलेशन, इंटरनल पॉलिसी और प्रिस्क्राइब्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर टू बी अबाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखिए इसके साइड में ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ रेगुलेशंस बाय द बैंकिंग कंपनी, आरबीआई के नियम नहीं मानो आप, इनकम टैक्स के नियम नहीं मानो आप, है ना, कोविड सिचुएशन में जो नए नियम बनाए हैं सरकार ने नहीं मानो आप, तो फिर आपको कंप्लायंसेस रिस्क झेलनी पड़ेगी। तो पांचवी कौन सी पड़ी अपन ने, कंप्लायंसेस रिस्क, जिसके कारण हमें लीगल पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी या मटेरियल लॉस भुगतना पड़ता है क्योंकि हम कुछ पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पाते या लॉज एंड रेगुलेशन को अवॉइड बाय नहीं करते। तो 5 तरीके के रिस्क देख लिए अपन ने, फर्स्ट कौन सी थी भाई, ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड कौन सी थी हमारी, क्रेडिट रिस्क, थर्ड रिस्क कौन सी थी हमारी, मार्केट रिस्क, फोर्थ कौन सी थी हमारी, स्ट्रैटेजिक रिस्क, फिफ्थ कौन सी हमारी, कंप्लायंसेस रिस्क, ठीक है। आगे नेक्स्ट 6th रिस्क को डिस्कस करते हैं जिनका नाम है आईटी रिस्क।
ठीक है, ये इसका कुछ पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अलग ढंग से पढ़ा था, यहाँ अलग ढंग से पढ़ेंगे अमेंडमेंट के तौर पे। तो देखिए भाई आईटी रिस्क जो सिक्स रिस्क हमारी वो क्या कहती है, हमारे आईटी रिस्क जो सिक्स रिस्क हमारी वो कहती है, सबसे पहले ऑथराइजेशन प्रोसेस में आपके रिस्क हो सकती है। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड देने का तरीका रॉबस्ट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कोई भी अनऑथराइज पर्सन भी एंट्री कर जाएगा। तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, ऑथराइजेशन प्रोसेस की आईटी रिस्क। इफ द प्रोसेस इज नॉट रॉबस्ट इट कैन लीड टू अनऑथराइज एक्सेस टू द कस्टमर इन्फॉर्मेशन। मतलब जो मेरा क्लाइंट ही नहीं है, जो मेरा कस्टमर ही नहीं है, वो मेरे सेंट्रल सर्वर तक पहुंच रहा है, मेरे डेटा तक पहुंच रहा है, तो ये तरीका क्या कहलाएगा मेरे यहाँ पे, वो कहलाएगा मेरा ऑथराइजेशन प्रोसेस का आईटी रिस्क। समझ रहे, सपोज करो अभी तो मैंने अपने सारे लेक्चर्स उस ऐप के ऊपर फ्री रख रखे हैं, लेकिन आगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कल को मैं इसे सेल करना चाहूंगा तो मैं किनको सेल करूंगा, जो मेरे ऑथराइज्ड कस्टमर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे, उन्हीं को करूंगा मैं। तो बेसिकली उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लीगल यूजर नेम पासवर्ड इशू करूंगा और वो केवल वही यूज कर पाएंगे। अगर वो उस मशीन के अलावा कहीं और यूज करना चाहेंगे तो उसकी परमिशन नहीं होगी तो मुझे पता चल जाएगा कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि नहीं होता है, जब भी आप गूगल पे दूसरी मशीन से लॉग इन करते हैं, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, तो बताओ वो आपसे पूछता है कि नहीं पूछता है, इज इट यू, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति आप यूजर नेम पासवर्ड से इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके ऑथराइजेशन प्रोसेस को चेक करता है। तो हमारे प्रोसेस रॉबस्ट होना चाहिए वरना ये आईटी रिस्क में माना जाएगा। सेकेंड, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, आपने जो यूजर नेम पासवर्ड या पिन नंबर दिए हैं हम उनको भी वेरीफाई कर लें कि वो सही है या नहीं है। यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑथेंटिकेशन मेथड। होते कि नहीं होते, जैसे बैंक का ट्रांजेक्शन अपन करते हैं तो ओटीपी जनरेट होता है ना, और ओटीपी कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए लाइव रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाया करता है ताकि उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा हमारा, कि आप सिस्टम पे लीगल तरीके से आए वो ऑथराइजेशन में चेक होगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड पिन नंबर ओटीपी सही है या नहीं है वो हमारे ऑथेंटिकेशन में चेक होगा। थर्ड, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क आर देयर। हम अपने बैंकिंग को कई तरीके से एक्सेस करते हैं, फोन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो ये सारे के सारे सेंट्रल सर्वर पे जा रहे हैं, तो हमें इन इंटरफेसेस पे भी नज़र रखनी पड़ती है कि उस यूज़र को हम बकायदे लीगल सर्विसेज दें। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज व्यक्ति अलग अलग सोर्सेज से आने की कोशिश कर रहा है तो उसको सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए। ए डेटा सेंटर मस्ट ऑल्सो कंटेन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लीमेंटल पावर सब सिस्टम, ताकि पावर फेलियर की सिचुएशन में उसके यहाँ काम नहीं रुके, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल स्विचिंग, अचानक की लाइट चली जाए तो वो दूसरे पे पैनल पे शिफ्ट हो जाए और लाइट मिलती रहे उसके, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS होने चाहिए, बैकअप जनरेटर्स होने चाहिए, ठीक है ना, हमारे भी ऑफिस में हमने लगा रखे हैं डीजल जनरेटर्स, ताकि लाइट चली जाए तो इमीडिएटली डीजल जनरेटर से हमें पावर बैकअप मिलता है। लैप्सेस इन एनी ऑफ दीज में लीड टू रियल टाइम डेटा लॉस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्विचिंग में जितना समय लगेगा उतनी देर के लिए आपका डेटा लॉस हो जाएगा, वो सर्वर को हिट नहीं कर पाएगा। तो सेवरल इंटरफेसेस का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका बैकअप होना चाहिए। तो तीन तरीके की आईटी रिस्क हो गई, पहला ऑथराइजेशन प्रोसेस रॉबस्ट होना चाहिए, दूसरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होना चाहिए आपका वो यूजर नेम पासवर्ड से, पिन से या ओटीपी से बना होना चाहिए, और सेवरल इंटरफेसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और वो अच्छे से काम करना चाहिए। तीन, चौथा होता है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, बैंक एनवायरमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑल टाइप ऑफ अटैक्स। पैसा इन्वॉल्व है ना बैंकिंग सिस्टम में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहले तो ये इंटरनेट पर काम करता है तो वो रिस्क है इसके साथ में, दूसरी रिस्क क्या है इसके साथ में कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ रिस्क बड़ी हो जाया करती है, तो ये कई तरीके के अटैक से सुरक्षित करना पड़ेगा। दस, ए स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल इज ए क्रूशल पार्ट ऑफ बैंक ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान। एक्सेस कंट्रोल हाउएवर डज वेरी बिटवीन बैंक ब्रांच नेटवर्क एंड हेड ऑफिस लोकेशन। ब्रांच पे उतनी रॉबस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेंट्रल सर्वर पे ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल को हमें तगड़ा करना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति उस पर एंट्री नहीं कर सके। और उस पर कंट्रोल कैसा बनाया अपन, यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा था, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे बनाना पड़ेगा। तो आईटी रिस्क में 4 चीज़ें पढ़ ली हमने अब तक, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, सेवरल इंटरफेसेस एंड एक्सेस कंट्रोल, ये 6 रिस्क आईटी रिस्क में पढ़ा जा रहा है। टोटल हमने रिस्क अब तक 6 डिस्कस कर लिए हैं, पहली थी ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड थी क्रेडिट रिस्क, थर्ड थी मार्केट रिस्क, फोर्थ थी स्ट्रेटेजिक रिस्क, फिफ्थ थी कंप्लायंसेस रिस्क, 6 आईटी रिस्क। आईटी रिस्क में भी 4 टॉपिक पढ़ लिए हमने, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, सेवरल इंटरफेसेस एंड एक्सेस कंट्रोल।
चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब दो टॉपिक अमेंडमेंट के हमने डिस्कस कर लिए, टोटल चार टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं। कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए अभी हमने? दो। कौन कौन से दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हमने? सबसे पहले ओवरव्यू डिस्कस कर लिया हमने, छह टॉपिक थे उसके अंदर। फिर हमने क्या किया, रिस्क डिस्कस कर ली, छह थी, और छह में छठी रिस्क आईटी के अंदर चार प्रकार की रिस्क थी। मेरे ख्याल से अब आपको ये याद भी हो गया होगा। अब तक चैप्टर नंबर पांच में दो अमेंडमेंट हुए हैं। पहला ओवरव्यू ऑफ द सीबीआई, जिसमें हमने छह कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। वापस से बता दूं मैं कौन कौन से छह कंपोनेंट डिस्कस हो गए हमारे, वापस याद करवा देता हूं मैं एक बार आपको। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन 4 में ऐड करना है, ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या अमेंड हुआ है। बैक ऑफिस होता है जो क्लाइंट फेसिंग नहीं होता है, डेटा वेयर हाउस होता है जो कलेक्शन और डेटा होता है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम होता है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड सिस्टम रिलेटेड ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, एटीएम ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एटीएम ऑपरेशन होते हैं, सेंट्रल सर्वर होता है, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग होता है, जिसमें चार चीजें पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी चार चीजें पढ़ी थी? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग। ये हमने छह टॉपिक पढ़े थे किसमें? ओवरव्यू में। उसके बाद 5.3.1 जो कि रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस थी, इसमें छह रिस्क थी और छह में छठे रिस्क के अंदर चार टॉपिक पढ़े। वो कौन से टॉपिक थे भाई हमारे? पहला ऑपरेशनल रिस्क, मतलब डे टू डे ऑपरेशन आपके सीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दूसरा क्रेडिट रिस्क होती है, जिसका मतलब होता है लोन आपके रिकवरेबल हो जाते हैं, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या। मार्केट रिस्क का मतलब होती है लॉस इन इक्विटी, प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट वगैरह। स्ट्रेटेजिक रिस्क होती है, कंपटीशन के कारण आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। कंप्लायंस रिस्क होती है, मतलब आप लॉज एंड रेगुलेशन को अवॉइड बाय नहीं करते। और छठा होता है आईटी रिस्क, इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क, जिसके अंदर चार टॉपिक पड़े आपने, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस एंड एक्सेस कंट्रोल। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए अब तक जो अमेंड हुए हैं, दोनों ही आपने अच्छे से पढ़ लिए। पहले में भी छह टॉपिक है, दूसरे में छह टॉपिक है, और छठे टॉपिक जो सेकंड में हमने पढ़े हैं रिस्क में, उसमें भी चार टॉपिक हमने डिस्कस किया, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस और एक्सेस कंट्रोल। चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्ड टॉपिक को, जिसका नाम है सिक्योरिटी पॉलिसी। छोटा सा टॉपिक है, इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है सिक्योरिटी पॉलिसी को। सिक्योरिटी पॉलिसी को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है? पेज नंबर 41 में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट में ऐड करना है। आओ मैं बता देता हूँ नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इसको कहाँ ऐड करना है, पेज नंबर 41 पे। आओ देखो पेज नंबर 41 पे चलते हैं अपन। ये सब डिलीट हो चुके हैं, मैंने बता दिया था आपको है ना, ये डिलीट हो चुके हैं। आईटी रिस्क ये हमने पढ़ा दिया आपको, आईटी रिस्क चार प्रकार की, ये सब पूरे टेबल जो है डिलीट हो चुकी है, उसको नए तौर पे हमने पढ़वा दिया, चार तरीके का ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड सो ऑन। चलिए बात करते हैं अब हम कहाँ ये अमेंड हुआ है हमारी सिक्योरिटी वाली पॉलिसी। पेज नंबर 41 पे यहाँ अमेंड हुआ है ये, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट में अमेंड हुआ है 5.3.2। टॉपिक था हमारा एक्सप्लेन रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS डेटा एनालिटिक्स एंड BI, वहाँ पे इसको अमेंड किया गया है 5.3.2 के तौर पे। आओ देखें इंस्टीट्यूट हमें क्या पढ़वाना चाहती है इस अमेंडमेंट में 5.3.2। छोटा सा टॉपिक है सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके, उसके बाद लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या कहता है, लार्ज कॉरपोरेशन लाइक बैंक को लार्ज कॉरपोरेशन ही कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ए लेड डाउन फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटी विद प्रॉपरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चूंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी का भी टेक केयर हमें करना पड़ेगा, और इसका एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। आपको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 3 में बकायदे हमने एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, कैसे एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तहत बहुत सारी हायरार्की में लोग काम किया करते हैं, तो उसी की ये बात कर रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत। दिस हेल्प्स बैंक टू क्रिएट होल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर विच क्लियरली डिफाइन रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन क्या काम करेगा, CTO क्या काम करेगा, CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर क्या काम करेगा, उसके नीचे चीफ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा एंड चीफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा, तो सबकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की में हम डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत। तो बकायदे इसका एक मैनुअल डॉक्यूमेंट बनता है, इसकी लगातार ट्रेनिंग्स की जाती है, और इन सब लोगों को नई चीज़ों और पॉलिसियों के तहत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम किया जाता है और नए पॉलिसी के तहत कैसे उनको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, इसके बारे में लगातार सेमिनार वर्कशॉप द्वारा और आजकल तो वेबिनार द्वारा इनको किया जाता है। बैंक्स डील इन थर्ड पार्टी मनी, बैंक का खुद का पैसा थोड़ी होता है, बैंक मेरा और आपका पैसा रखा करते हैं, एंड नीड टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिस्टम। तो उसको हार्डवेयर भी बचा के रखना है, डेटा भी बचा के रखना है, पैसा भी बचा के रखना है, और बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी कंट्रोल करके रखना है, ताकि वो सिस्टम में हैक ना कर सकें या वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकें। दिस फ्रेमवर्क नीड टू बी ए ग्लोबल स्टैंडर्ड टू क्रिएट ट्रस्ट इन द कस्टमर इन द आउटसाइड इंडिया। तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी देने की तरीका था, आप इसमें बस थोड़ी सी एक जानकारी के तौर पर रख लें, लिखें इसमें वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी
स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड। आपको दुनिया भर के जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं, ठीक है ना, जिसमें ISO 27001 भी आ जाता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बात कही गई थी जो हमने पढ़ी इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं भी आऊँगा, पहले एक बार सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं अब इस चैप्टर को अमेंडमेंट के लास्ट वीडियो में 5.5.4 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पढ़ते हुए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमें जो है पेज नंबर 43 जो हमारे ओरिजिनल नोट्स है क्वेश्चन नंबर 7 में ऐड करना है, मतलब यहाँ अमेंड हुआ है कुछ। अब मैं बता देता हूँ आपको पेज नंबर 43 पे कहाँ इसको आपको अमेंड करना है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा करते थे मेन नोट्स में, एक्सप्लेन वेरियस बैंकिंग रेगुलेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये पेज नंबर 41 से शुरू होता है, हमें इसको अमेंड करना है पेज नंबर 43 पे। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो था ना, ये सारा डिलीट हो गया, और यहाँ पे 5.5.4 जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो अमेंड हुआ है, तो ये सारा डिलीट हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ पेज नंबर 43 पे काफ़ी हिस्सा और पेज 44 पे काफ़ी हिस्सा ये डिलीट हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें कई सेक्शन आपको बताए गए थे वो हम नए सिरे से यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना पोर्शन अमेंड हुआ है। लेकिन उसके बाद थ्री स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज सच है वो आज भी इंपॉर्टेंट है, और आपको तैयार भी करना है जुलाई और अगस्त के एग्जाम के लिए। नवंबर के लिए हम बाद में अलग वीडियोज द्वारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अपन क्या इंस्टीट्यूट हमें अमेंडमेंट के तौर पे पढ़वाना चाह रही है। तो आओ देखते हैं अपन क्या हमें पढ़ना चाहिए इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट के तौर पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या पढ़ेंगे देखो भाई, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को पढ़ेंगे अपन। ओनली रेलेवेंट सेक्शन प्रिटेनिंग टू टॉपिक्स आर डिस्कस बिलो, बाकी सब वही है जो आपने पहले हमारी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा था और यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। हम स्पेसिफिकली कुछ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, वो सेक्शन कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 को, सेक्शन नंबर 12 को, सेक्शन नंबर 13 को, सेक्शन नंबर 63 को, सेक्शन नंबर 70 को, मतलब 5 सेक्शन बेसिकली यहाँ डिस्कस होने जा रहे हैं जो अमेंड किए गए इंस्टीट्यूट द्वारा। सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 63, सेक्शन 70 याद भी हो गए मेरे ख्याल से। सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 63, सेक्शन 70, ठीक है। 5 सेक्शन देखेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 2 में एक सेक्शन था सेक्शन 3, उसको यहाँ क्या अमेंड किया गया उसको पढ़ते हैं अपन। चैप्टर 2 ऑफेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पीएमएलए का जो बताता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को। उसमें एक सेक्शन 3 है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, डिटेल में बताया गया है, और आज तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, भारत में ये तबलीगी जमात द्वारा जो काम किया गया है और उसके जो चीफ हैं मौलाना साद, उनके ऊपर ये पीएमएलए लग रहा है और सेक्शन 3 ही लग रहा है उनके ऊपर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप इसमें लिख लें मौलाना साद ऑफ तबलीगी जमात, ठीक है, उनके ऊपर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो लगाया गया है सेक्शन नंबर 3। आओ देखें क्या कहता है इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट में इसके लिए। हुसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली द पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द 17 प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, छुपाना, पजेशन, अपने पास रखना, एक्विजिशन और यूज एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनअटेंडेड प्रॉपर्टी शल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। 17 प्रकार के क्राइम बताए हुए हैं हमारी मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसको अपन ने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ भी लिया था। तो उन सब चीजों को हम किस में मानेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में मानते हैं। आओ एक एक शब्द को दोबारा से समझते हैं इंस्टीट्यूट क्या कहना चाह रही है और हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटर ऑन आपको इस चीज को कैसे समझना होगा। हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जानबूझ के खुद इन्वॉल्व हो जाए या वो किसी के साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, अटेम्प्ट टू इंडल्ज नोइंगली या अनोइंगली, है ना, मतलब किसी को जानकारी दे दी इसको काम को करने में या किसी के पैसों को उसने रख लिया जो इस तरीके से आए हुए थे, असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी, या तो उसको सहायता करता है या वो खुद शामिल हो जाया करता है, और इज एक्चुअली इन्वॉल्व, खुद इन्वॉल्व हो जाता है या सहायता करता है या उसकी सहायता करने में मदद करता है,
एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि पीएमएलए के तहत आती है, और इसके टोटल 17 तरीके के हमने क्राइम बताए हुए हैं जो कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ाते हुए भी आपको बताए थे। ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, जिसमें चीजों को छुपाया जाता है, ये मौलाना साहब के ऊपर ही सारी सेक्शन 3 की धाराएं लगी हुई है। पजेशन, एक्विजिशन, इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया हुआ है और उसको यूज कर रहा है और प्रोजेक्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है, अनअटेंडेड प्रॉपर्टी का लाभ बना रहा है उसे, गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कोई व्यक्ति जानबूझ के करे या अननोइंगली करे, असिस्ट करे, असिस्ट करने में मदद करे, या पीछे से बैकग्राउंड में उसको हेल्प करे, या खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होके करे, फिर ऐसा काम करके छुपावे, या उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, या उसको अपने पास यूज करे, तो ऐसे प्रकार के 17 जो क्राइम हमने बताए हैं अपने डेफिनेशंस में पीएमएलए के, उनको सेक्शन 3 के तहत हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बुक कर सकते हैं, जिसमें इसमें हमें तबलीगी जमात के मौलाना साहब को इस समय बुक कर रखा है। अब चैप्टर 2 में तो ये बात थी सेक्शन 3 की, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। मतलब बात कर रहे हैं हम बैंकिंग कंपनीज की, चाहे वो हमारी आरबीआई के तहत बैंकिंग कंपनी मानी जाती है, फिर एनबीएफसी आ जाती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड द इंटरमीडिएटरी, उसके लिए सेक्शन 12 में बात की गई है। तो चैप्टर 2 में किसकी बात की हमने, सेक्शन 3 की, है ना। तो हमने किस किस चीजों को पीएमएलए में मानते हैं 17 तरीके के प्रोसीड्स को। यहाँ सेक्शन 12 में हम किसकी बात करेंगे, ऑब्लिगेशन की, जो बैंकिंग कंपनी की है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की हो सकती है। रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड, क्या आपको बुक्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ये बात हम सेक्शन नंबर 12 में कह रहे हैं। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शल, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या कोई और इसी तरीके की इंटरमीडिएटरी हो, उसको कितने समय तक और कैसे बुक्स और रिकॉर्ड्स को रखना है, ये बात सेक्शन नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 4 में कहां कही जा रही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कही जा रही है। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शल, पहला, मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जो भी रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्ट किए जा रहे हैं इस तरीके से जो पीएमएलए की प्रोसीड्स में आ सकते हैं, उन सबको, या ना भी हो उनको, तो उनको मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर क्लॉज बी इन सच मैनर एज टू इनेबल इट टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। आपको उस डेटाबेस को इस तरीके से रखना है कि जब भी अथॉरिटी चाहेगी, कौन सी अथॉरिटी चाहेगी, जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे हमारी देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA इस समय मौलाना साद वाली एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उनको ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराने पड़ेंगे मौलाना साद को सेक्शन 12 के तहत, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके अंदर भी पेनल्टी और सजाओं का प्रावधान है, जो कि फिजिकल पेनल्टी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, पढ़ेंगे वो आगे चल के अपन, कितना इम्प्रिजनमेंट है और कितनी पेनल्टी है। तो ये कह रहा है कि ऐसी सारी एंटिटीज़ को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। सेकेंड, furnish to the director within such time as may be prescribed information relating to such transaction, whether attempted or executed, the nature and the value of which may be prescribed. ऐसी कोई भी घटना होती है तो investigating agency के director को हमें ये चीजें report करनी पड़ेंगी stipulated time में, जो समय period वो बताएंगे हमें, 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी time period वो देते हैं और rules regulation में लिखा हुआ है, तो हमें उनको ये सारी चीजें जो information के तौर पर है जाहिर करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। सेक्शन सी और डी ओमिट किया जा चुका है, तो ये अपने को नहीं पढ़ना है, हटा ही दिया इन्होंने, ठीक है, मैं डिटेल में भी नहीं जाता, पहले था लेकिन अब नहीं पढ़ना है। सेक्शन ई, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड द बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू द क्लाइंट। मौलाना साद वाले केस में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, और आपको पता हो मैंने पढ़ाते हुए जाकर नाइक का भी एक केस दिया था जो मलेशिया भाग गया था, अभी उसके ऊपर भी NIA ने हमारे जो है वो ऐसा ही एक केस लगा रखा है पीएमएलए का। तो ऐसे केस में इनको क्या करना पड़ता है, जिनके ऊपर ये चल रहा है, अगर ये गिरफ्त में आएंगे या इनके जो लोग उपलब्ध होंगे, उनको सारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ में शामिल करके देने पड़ेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से प्राप्त किया, आपको पैसे देने वाले कौन थे, वो ओरिजिनेशन ऑफ सोर्स कहाँ से हुआ है, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ऐसा कह रहा है सेक्शन ई में। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, क्या ए में करना पड़ता है, मौलाना साहब के केस में सारे रिकॉर्ड्स को उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। बी में क्या कह रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके डायरेक्टर को आपको उसे पेश करना पड़ेगा, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर। सी और डी ओमिट कर दिए गए इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। ई कह रहा है डॉक्यूमेंट को एविडेंस के साथ पेश करना पड़ेगा, इसका ओरिजिनेशन और सोर्स कहाँ है, किसने आपको पैसा दिया, किस पर्पज के लिए पैसा दिया, आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, ये चीज ई में कही गई है। तो बात समझ में आ गई। ए में क्या कह रहा है आपको, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे।
बी में क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर को एक स्टिपुलेटेड टाइम में फर्निश करने पड़ेंगे। ई क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सबूत के साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंट को पेश करने पड़ेंगे, सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन, कहां से पैसा आया, कहां यूज किया, कहां रखा था आपने। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेक्शन 12 में हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने सेक्शन 12 का पॉइंट 1 डिस्कस किया, अब 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। Every information maintained, furnished or verified, save as otherwise provided under any law for the time being in force, shall be kept confidential. जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है और आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे रहे हैं, जैसे मौलाना साद के केस में एनआईए को दे रहे हैं, वो आपके और उनके बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ऐसा सेक्शन 12 में कहा जा रहा है, सेक्शन 12 के सेकंड सब सेक्शन के पॉइंट में। तो पहले में तो रिपोर्टिंग की बात की अपन ने, और उसमें भी 3 पॉइंट थे, ए बी और ई, और यहाँ पे सेक्शन 12 के सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कॉन्फिडेंशियल रखना है आपको। मैं नटशेल में क्रक्स भी बता रहा हूँ आपको। आ जाओ सेक्शन 12 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द रिकॉर्ड रेफर्ड टू इन द क्लॉज ए, रिपोर्ट करना है, ऑफ द सब सेक्शन 1 शल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। रिपोर्टिंग टाइम कितना है अभी हमारा, 5 ईयर्स का है, तो ये एमसीक्यू के लिए हो गया। आपको कितने साल के लिए बुक्स और रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, 5 साल तक रखने पड़ेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। तो 5 साल तक आपको सारे रिपोर्ट्स ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, कभी भी आपसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या देश की कोई एजेंसी मांग सकती है। तो हमारे सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में पॉइंट ए में जो रिपोर्टिंग की बात कही गई थी उसका टाइम पीरियड भी आ गया, 5 साल तक मेंटेन करना, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो रहा है ये पीएमएलए हमारे लिए। अब आ जाओ हम बात करते हैं सेक्शन 12 के सब सेक्शन पॉइंट 4 को, द रिकॉर्ड रेफर टू इन क्लॉज ई, ई क्या कहता था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एविडेंस के साथ देना पड़ेगा, ऑफ सब सेक्शन 1 शल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये भी बात क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एविडेंस के साथ देने पड़ेंगे और वो भी रिकॉर्ड आपको 5 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज बीन एंडेड और द अकाउंट हैज बीन क्लोज विच एवर इज लेटर। मतलब आपके बिजनेस खत्म हो चुके, आपको बिजनेस का नाता भी नहीं रहा, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5 साल तक मेंटेन करने, ताकि एविडेंस के तौर पे जब आपसे सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन नंबर 1 के पॉइंट नंबर ई में आपसे रिकॉर्ड मांगे जाए तो आप 5 साल तक उसे मेंटेन करेंगे। तो पॉइंट नंबर ई का भी टाइम फ्रेम आ गया, एक आ गया 5 साल और ई का भी आ गया 5 साल। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन 5 में क्या कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो ये कह रहा है पीएमएलए के तहत हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो किसी भी एंटिटी को इस तरीके के रिकॉर्ड रखने से मुक्ति दे सकता है या उसको रखने से छूट दे सकता है। ये बात कहाँ गई है, ये छूट वाली, ये कही गई है हमारे पीएमएलए के सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन नंबर 5 में। तो आप देखें हर एक में कुछ खास बात कही गई और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने उसको अमेंडमेंट के तौर पर लागू किया है, तो ये तो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको इसको सबको याद रखना ही पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 2 में कौन सा सेक्शन पढ़ा, एक, कौन सा था वो एक सेक्शन, सेक्शन 3। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें 2 सब सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12 हम पढ़ चुके और हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 13 को, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। सेक्शन 13 किसके बारे में है, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज अ फाइन, कितना फाइन हम इम्पोज कर सकते हैं, ये सेक्शन नंबर 13 में पढ़ेंगे। तो 12 किसके ऊपर था हमारा, वो था रिपोर्टिंग के ऊपर था, और 13 किसके ऊपर है, फाइन इम्पोज करने के ऊपर है। ये दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, सेक्शन नंबर 12 और 13 चैप्टर नंबर 4 में पीएमएलए में, और ये दोनों अमेंड हुए हैं हमारे। फाइन की बात कर रहा है, द डायरेक्टर मे आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एन अथॉरिटी ऑफिसर और ए पर्सन मेक सच इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड एज ही थिंक्स फिट टू द नेसेसरी विद द रिपोर्ट टू द ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस चैप्टर। मतलब डायरेक्टर को हम कह रहे हैं आप सू मोटो ये काम कर सकते हो, या कोई एप्लीकेशन आती है या इंक्वायरी के लिए कहा जाता है तो आप ऐसा कर सकते हो, इस चैप्टर के तहत इंक्वायरी को इन्फोर्स करा सकते हो। तो आप इंक्वायरी को इन्फोर्स करने के लिए स्वतः ही संज्ञान ले सकते हो, सू मोटो जिसको कहते हैं, या कोई एप्लीकेशन शिकायत की आती है तो कह सकते हो, या फिर कोई अथॉरिटी ऑफिसर आपको कहता है तो आप ऐसा करने की उसको परमिशन दे सकते हो। तो ये डायरेक्टर के पावर में है कि वो किसी भी इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है, ये पहले पॉइंट में कहा गया है सेक्शन 3 के। तो सेक्शन 3 का पहला सबसेक्शन कह रहा है
उसके पास पावर है, वो सू मोटो कर सकता है या किसी पर्सन या अथॉरिटी को कह सकता है या किसी पर्सन की शिकायत आने पर ऐसा कर सकता है। 1A क्या कहता है, इफ एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम द डायरेक्टर हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो ही मे डायरेक्ट द कंसर्न रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट इट्स रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट फ्रॉम अमंग्स ए पैनल ऑफ अकाउंटेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। सपोज करो NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ, उसका डायरेक्टर को लगता है कि मौलाना साद के तबलीगी जमात जो मरकज था उसका दिल्ली में, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है और किसी एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट से करवानी है, मतलब यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है, तो वो पैनल में से किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी ऑडिट भी करवा सकता है, उनके ऑडिट पे भरोसा नहीं करते हुए एक इंडिपेंडेंट ऑडिट उस एक्सपर्ट ऑफ पैनल में से करवा सकता है। ऐसा हम पावर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पावर, डायरेक्टर को पावर दे रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, किसके तहत, सब सेक्शन 2 के तहत अंडर सेक्शन 13 ऑफ PMLA। एक एक चीज को याद करना है अपने को यहाँ पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट MCQ में पूछ सकती है आपसे। चले 1A में कह रही है, 2 में नहीं कह रही, 1A में कह रही है। 1B में क्या कह रहे हैं, द एक्सपेंसेस ऑफ द इंसिडेंटल टू एनी ऑडिट अंडर द सब सेक्शन 1A शैल बी बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी जो भी ऑडिट करवाई जाएगी उसका खर्चा एंटिटी से नहीं वसूला जाएगा, उसका खर्चा कौन वहन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वहन करेगी। फिर से समझें, 1B क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस एंड द इंसिडेंटल टू एनी ऑडिट अंडर सब सेक्शन 1A जो डायरेक्टर करवा रहा होता है शैल बी बॉन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द एंटिटी। तो एंटिटी के ऊपर खर्चा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। तो बात समझ में आ रही है क्या, हम पावर और इंपोजिशन और पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। तो हमने 1 में बात क्या की कि उसको पावर है वो सू मोटो या किसी के कहने पे इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। 1A में हम क्या कह रहे हैं कि वो इस इंक्वायरी को करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर से उसको ऑडिट करा सकता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट में से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। और 1B में कह रहा है उसका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एंटिटी नहीं करेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 की। ये बेसिकली 2 जो है सब सेक्शन 2 है सेक्शन 13 का PMLA का। इफ द डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी फाइंड दैट द रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डिजाइन डायरेक्टर और द बोर्ड और एनी एम्प्लॉई हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन अंडर द चैप्टर देन विदाउट प्रिजुडिसेस टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ही मे। अगर लगता है उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो भी हमारा उस समय का इंचार्ज था, जैसे मौलाना साहब तबलीगी जमात का इंचार्ज था या उसके सब्सिक्वेंट उसके फॉलोवर्स या उसके नीचे उसके बेटे या उसका कोई कजिन जिसकी बात चल रही है, उसने कहीं रूल को कंप्लाई नहीं किया है, तो हमारा ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है, आओ उसकी बात करते हैं सब सेक्शन 2 में। इशू ए वार्निंग इन राइटिंग, एक वार्निंग जारी कर सकता है राइटिंग में, ए में। बी डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एनी ऑफ द एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, उसे कोई रूल फॉलो करने के लिए मजबूर भी कर सकता है बी में। सी डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और एनी सच एम्प्लॉय टू सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवेल एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मेजर्स इट इज टेकिंग, वो क्या कर सकता है, उसको फिक्स टाइम इंटरवेल पे 1 महीने में, सप्ताह में, 15 दिन में उसे रिपोर्ट करने के लिए कह सकता है इन सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल को। तो सी में उसको कंप्लाई करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए कह रहा है, बी में उसको डायरेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, और ए में उसको वार्निंग दे रहा है राइटिंग में। तो हमारे सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 के पॉइंट ए में कह रहा है कि वार्निंग में हम राइटिंग में हम वार्निंग दे सकते हैं, बी में हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और सी में हम क्या कह सकते हैं, उसको रिपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं, डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। डी क्या कह रहा है, बाय एन ऑर्डर इम्पोज ए मॉनिटरी पेनल्टी ऑन सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय विच शल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज फॉर सच फेलियर। अगर वो समय पे रिपोर्ट नहीं करता है, जैसे हमने कहा 1 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर उसका कोई एम्प्लॉय या वो डायरेक्टर खुद इसको नहीं कर पाया, तो 10,000 रुपये मिनिमम और अधिकतम 1,00,000 रुपये अगर वो नहीं कंप्लाई कर पाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो हमारे पास में फाइन का अमाउंट भी आ गया 10,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज। ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है, डायरेक्टर के पास है। क्लियर अभी बात सबको। चलो अब बात करते हैं सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 की। द डायरेक्टर शल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास
अंडर सब सेक्शन टू टू एवरी बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंटरमीडिएटरी और पर्सन हु इज द पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर द सब सेक्शन। हमारा सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 कहता है जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर होगा वो ऐसी एक ऑर्डर को पास करते हुए सब सेक्शन 2 के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमारी पार्टी होगी, बैंकिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी, एनबीएफसी होगी, इंटरमीडिएटरी होगी, उसको ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है। ये हम पावर दे रहे हैं उसको सब सेक्शन 3 के तहत। बात आई क्या सबको समझ में? तो ये हमारी बेसिकली बात थी सब सेक्शन 3 की। एक्सप्लेनेशन हियर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अकाउंटेंट शैल मीन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बता दिया था विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1989 एंड सब सेक्शन 30 ऑफ 1949 बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ ये आपको। तो बेसिकली अब तक हम क्या कर चुके हैं, दो बड़े बड़े चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 2 जिसके अंदर सेक्शन 3 पढ़ा और चैप्टर 4 जिसमें हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को डिस्कस किया। चलिए अब अपन सेक्शन डिस्कस करते हैं दो और, सेक्शन 63 और 70। चैप्टर 10 में इनकी बात की गई है जिसको मिसलिनियस कहा गया है यहाँ पे। तो फिर से समझ लें, चैप्टर नंबर जो 2 था हमारा वो था ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें हमने सेक्शन 3 को डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2 किसका था हमारा, वो था ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें एक सेक्शन था सेक्शन 3 जो था हमारा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसके हमने अमेंडमेंट को पढ़ा। हमने ओवर नोइंगली और अनोइंगली ऐसा करता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में बुक करेंगे, जैसे मौलाना साद और तबलीगी जमात को हमने बुक किया और इससे पहले जाकिर नाइक को हमने बुक किया था। फिर हमने बात की चैप्टर नंबर 4 की, किसकी बात थी वो, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अमेंडमेंट्स की बात की थी अपन ने, जिसमें दो हमारे सेक्शन थे सेक्शन 12 और 13 जिसको हमने डिस्कस किया अभी। सेक्शन 12 में हमने काय की बात की, सेक्शन 12 में हमने बात की थी रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। 1 में हमने कहा रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसके लिए हमने हमने सब सेक्शन 1 में ए ई ए बी और ई को डिस्कस किया था। फिर सेकेंड और थर्ड पॉइंट में हमने रिकॉर्ड एंटेन करने के तरीके भी बताए थे और 3 में हमने बताया था उसका टाइम पीरियड 5 साल है और 4 में हमने बताया था कि क्लॉज ई में जो कहा गया है उसको 5 साल तक बिजनेस रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी मेंटेन करना, और 5 में हमने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा इन्फोर्स कर सकती है। सेक्शन 13 में हमने पावर दिए है डायरेक्टर को पेनल्टी इम्पोज करने के। 1 में हमने कहा है डायरेक्टर सू मोटो या किसी के कहने पर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। 1A में हमने कहा है कि ऐसा करने के लिए रिपोर्टिंग एंटिटी को अबाइड बाय कर सकता है। 1B में हम कह रहे हैं कि 1A के तहत जो ऐसा करने के लिए हम कह रहे हैं उसके एक्सपेंसेस बॉन्ड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा उसके हम रिपोर्ट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं। 2 में हमारा कह रहा है कि जो डायरेक्टर होगा वो ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, वार्निंग को इशू कर सकता है, पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है, उसको रिपोर्टिंग करने के लिए टाइम फ्रेम दे सकता है और अगर वो ऐसे करने में कंप्लाई करने में फेल होता है तो 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे पावर अपन सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 में दे रहे हैं। आओ बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की मिसलिनियस, जिसमें हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन 63 और सेक्शन 70। आओ मिसलिनियस में सबसे बात करते हैं पहले सेक्शन नंबर 63 की, पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव द इन्फॉर्मेशन। या तो जानकारी दे ही नहीं पाए या आपने गलत जानकारी दी तो अपन सेक्शन 63 में उसको ऑफेंस मानेंगे और हम पेनल्टी का प्रोविजन करते हैं। ये पेनल्टी प्रोविजन फाइनेंशियल भी हो सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी होगा। तो आओ बात करते हैं सेक्शन 63 के सब सेक्शन 1 की, एनी पर्सन विलफुली जानबूझ के और मैलिशियसली गिविंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड सो कॉजिंग एन अरेस्ट और ए सर्च टू बी मेड अंडर दिस एक्ट शल ऑन कन्विक्शन बी लायबल फॉर ए इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो 2 साल की उसको जेल की जा सकती है, और विद ए फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज और बोथ। तो क्या हो गया इसके अंदर, 50,000 रुपये का तो जुर्माना हो सकता है और 2 साल की उसको जेल हो सकती है या उसको दोनों हो सकता है। बात आ रही क्या समझ में, या तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं, 2 साल की जेल लगा सकते हैं, या फिर जज चाहे तो या इपोजिंग अथॉरिटी चाहे तो दोनों भी दे सकता है उस क्राइम को या उसके क्राइम के इंटेंशन को देखते हुए। तो सेक्शन 63 में पेनल्टी का पहला सब क्लॉज आ गया जो कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जानबूझ के विलफुली करता है या मैलिशियसली जानबूझ के ऐसी जानकारी हमें दिया करता है तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसको 2 साल की सजा भी दी जा सकती है जेल में डाल के, या उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगा सकता है, या दोनों 50,000 का जुर्माना और 2 साल की सजा भी दी जा सकती है।
सेक्शन 63 के सबसेक्शन 2 में क्या कहते हैं, इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस अंडर द सबसेक्शन 3 जो हमने ऊपर पढ़ाया आपको, रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन टू पुट टू हिम बाय एन अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट, तो क्या करें हम उसके साथ में, उसके साथ हम जो करेंगे वो आगे बताया जाएगा। ऐसा ही बी पॉइंट आ रहा है, रिफ्यूसेस टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ द अंडर दिस एक्ट विच द अथॉरिटी में लीगली रिक्वायर्ड टू साइन। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अथॉरिटी कहती है और वो मना करता है, और पहले मैं कह रहे हैं कि जिस मैटर पे उसको जानकारी देनी थी वो देने से मना करता है या नहीं देता है, ये सब बातें मैं क्या पेनल्टी आएगी उसके हम बात करेंगे आगे चल के। सी, टू हुम ए समन इज इश्यूड अंडर सेक्शन 50 आइदर टू अटेंड गिव एविडेंस और प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट एट सर्टन प्लेस एंड टाइम, ओमिट टू अटेंड और प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट एट द प्लेस और टाइम। उसे बुक्स को लेके आने के लिए कहा गया था, एविडेंस को लाने के लिए कहा गया था, समन किया गया था, वो नहीं आया है तो वो भी इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट के लिए, लीगल पेनल्टीज के लिए बाध्य किया जाएगा। ही शल पे और बाय वे ऑफ पेनल्टी ए सम विच शल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, कितना कह दिया हमने 5,000 रुपए, बट विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, हाइएस्ट कितना आ गया है 10,000 रुपए आ गया है, फॉर सच ईच डिफॉल्ट और फेलियर। हमने कहा आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, उसको सम्मन किया आप आइए, उसको पेश होने के लिए कहा वो आइए, उसको कहा जानकारी दीजिए वो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे ऐसे हर फेलियर पे उसको मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं हर सच फेलियर पे। जैसे उसको कहा मार्च के महीने में लाना, वो नहीं लाया, 5,000 रुपये लगा दिया, 10,000 लगा दिया, अप्रैल में लाने के लिए कहा नहीं आया, तो फिर से 5,000 या 10,000 रुपये लगा दिए, ऐसा हमारी अथॉरिटी या डायरेक्टर लगा सकता है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सेक्शन 63 की सबसेक्शन 3 में क्या कहता है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास बाय द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन द सबसेक्शन 2 अनलेस द पर्सन ऑन हुम द पेनल्टी इज प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड इन ए गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर बाय सच अथॉरिटी। कहा जा रहा है कि अथॉरिटी के ऊपर भी ये इम्पोजिशन है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का क्राइम करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको सुनने का मौका जरूर दिया जाएगा, हम सू मोटो उसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं लगा सकते, तो हम सुनने का उसको समय देंगे, अगर उसके बाद भी वो पेश नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं लाता है, या उसके बाद भी वो अथॉरिटी को जानकारी नहीं दिया करता है, तो फिर हम उसके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज करेंगे, लेकिन बिना सुने बिना अवसर दिए ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सब सेक्शन 3 में अंडर सेक्शन 63 कहा जा रहा है अथॉरिटी के लिए। सबसेक्शन 4 में क्या कह रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज सी ऑफ द सबसेक्शन 2 एनी पर्सन हु इंटेंशनली डिसओबेड एनी डायरेक्शन इशूड अंडर द सेक्शन 50 शैल बी लायबल टू द प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द एक्शन 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर व्यक्ति ऐसा डिसऑनेस्टली करता है तो फिर कई सारी धाराओं में जो उसको बताया है हमारे बुक किया जा सकता है और उसे सजाएं दी जा सकती है। तो बेसिकली सेक्शन 63 में ये 4 अमेंडमेंट आए हैं जो हमने पढ़े, वैसे तो सेक्शन 63 बहुत बड़ा है जो हमने मेनली आपको वहाँ पढ़ा दिया गया था PMLA में और हमारे कोर्स में जितना हमने पढ़ भी लिया था, पर 4 अमेंडमेंट आए हैं, देख लें। सेक्शन 63 जो है वो है पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी दो या ना दो, देने में नाकाबिल रहो आप, तो उसके ऊपर हम लोग पेनल्टी लगाते हैं। 1 में कह रहा है अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जानकारी देने का भाव रहता है, जानबूझ के ऐसा करते हो, तो 50,000 रुपये ठीक है का हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, 2 साल हम जेल में डाल सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। 2nd में कह रहा है अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको हम ऐसा कह रहे हैं वो लीगली बाउंड है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, कोई स्टेटमेंट साइन नहीं करता है बी में, या उसको सम्मन किया गया था ये सारी चीज़ें ला के पेश करने के लिए रिपोर्टर टाइम में नहीं लाता है, तो ऐसे सब लोगों को जो ए बी सी में कवर हो रहे हैं उनको पर ऐसे सच डिफॉल्ट पर 5,000 रुपये का जुर्माना मिनिमम और 10,000 रुपये अधिकतम का जुर्माना लगाया जा सकता है, और हर जुर्माने पर ऐसा हर अकरेंस पर लगाया जा सकता है। फिर 3 में कह रहा है कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे जब तक हम उसे सुनने का मौका नहीं दे देते, सू मोटो ही पास कर सकते हैं। और 4 में कह रहे हैं अगर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 में कोई पर्सन ऐसा इंटेंशनली करता पाया जाता है तो उसे दूसरे सेक्शन 50 में भी और इंडियन पीनल कोड के 174 में भी बुक किया जा सकता है, तो कई सारी धाराओं में उसे बुक किया जा सकता है, मौलाना साहब को ऐसी कई धाराओं में बुक किया गया है। तो ये तो बात थी सेक्शन 63 की जो कि हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 10 में मिसलिनियस में, है ना।
तीन चैप्टर पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से? पहला चैप्टर नंबर 2 जिसमें सेक्शन 3 पढ़ा अपन ने, फिर पढ़ा अपन ने चैप्टर नंबर 4 जिसमें दो सेक्शन पढ़े 12 और 13, फिर अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 10 मिसलिनियस वाला जिसमें सेक्शन 63 पढ़ा। अब आओ लास्ट सब सेक्शन पढ़ के खत्म करते हैं, सेक्शन 70 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। इस सेक्शन 70 के सब सेक्शन 1 में क्या कहता है, वेयर अ पर्सन कमिटिंग ए कॉन्ट्रावेंशन, नियमों का उल्लंघन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावेंशन कहते हैं, ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल, एनी रूल डायरेक्शन और द ऑर्डर मेड देयर अंडर इज ए कंपनी, मतलब कोई भी नियमों को उल्लंघन करता है और वो एक कंपनी है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन एंड शैल बी लायबल टू द प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली। ये तो हमने अमेंडमेंट से पहले भी जो नॉर्मल कोर्स में पढ़ा था आपको पढ़ाया था, और चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ते हुए आपको कहा है रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी। तो सेक्शन 134 और सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी हमने ये जिम्मेदारी आपको बताई थी, अगर कोई कंपनी का उस समय डायरेक्टर है तो ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, ये जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखे कि हम PMLA के तहत कहीं बुक नहीं हो जाए, तो वो खुद भी ध्यान रखे और अपने एम्प्लॉयज़ का भी वो ध्यान रखे ताकि कोई भी ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं हो। अगर ऐसे नियमों का उल्लंघन उसके द्वारा किया जाता है या वो ऐसा ध्यान नहीं रखता और उसके कर्मचारी कर देते हैं तो फिर वो भी इन कार्यों में इंडल्ज माना जाएगा और उसके ऊपर भी ऑफेंस के तहत कार्रवाई होगी, ऐसा हम कह रहे हैं सेक्शन 70 के सबसेक्शन 1 में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन द सबसेक्शन शल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू द पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन। लेकिन हम एक जगह उसे राहत दे रहे हैं, अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये सारे ऑफेंसेस उसको बिना बताए उसके उसके नाक के नीचे लोगों ने कर लिए और उसके साथ भी धोखा हुआ है तो फिर हम उसे इस सेक्शन में बुक नहीं करेंगे, तो उसके एम्प्लॉयज को या जिन्होंने किया है उन्हीं को बुक करेंगे। लेकिन उसे ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पूरी केयर रखी थी, ड्यू डिलीजेंस रखी थी, फिर भी ऐसा कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है, उसके सबॉर्डिनेट या उसके एम्प्लॉय या बाहर का कोई व्यक्ति या थर्ड पार्टी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी जिम्मेदार होगी, लेकिन उसे ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 में, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल डायरेक्शन और ऑर्डर मेड देयर अंडर हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी एंड इट्स प्रूव दैट द कॉन्ट्रावेंशन हैज बीन टेकन प्लेस विद द कंसेंट और कन्वीनियंस और इज एट्रीब्यूटेड टू एनी नेग्लिजेंस ऑन द पर्सन ऑफ द डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट द पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। क्या कह रहा है ये, इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है और उसने ध्यान नहीं रखा है, क्रॉस नेग्लिजेंस किया है, तो फिर वो सजाओं से बच नहीं सकता, है ना, सब मैंने नहीं किया मेरे लोगों ने कर दिया है, तो आप जिम्मेदार हो, आपने ड्यू डिलीजेंस क्यों नहीं रखी, आपने प्रॉपर केयर क्यों नहीं रखी, तो फिर हम ये संदेह का लाभ आपको नहीं दे सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते मैं तो उस दिन छुट्टी पे था मेरे लोगों ने कर दिया, तो भी आपके वहाँ एक स्पेशल कोर ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि जब आप एब्सेंस होते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति इंचार्ज होता है वो इसकी पूरी केयर करे, अगर आपने ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया है तो आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो हम सेक्शन 70 के सब सेक्शन 2 में आपको बकायदे इसका जिम्मेदार मानेंगे ऑफेंस का और आपको सजा देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी मीन्स एनीबडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, है ना। आप सब लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो तो बड़े होशियार लोग हो, इसलिए जब हम कंपनी की बात करते हैं तो केवल आप कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी डिफाइन की है उसी को मत माने, यहाँ एक्सप्लेनेशन में कह रहा है सब कवर्ड है, इंडिविजुअल, AOP, BOI, ट्रस्ट, चाहे वो किसी भी टाइप की म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट हो या फिर रिलीजियस चैरिटेबल हो, सब कवर्ड है, कंपनियां भी कवर्ड है। यहाँ कंपनी का मतलब कंपनी एक्ट के तहत डिफाइंड कंपनी नहीं है, यहाँ हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिविजुअल तक को इंक्लूड कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन में कह रहा है। डायरेक्टर इन रिलेशन ऑफ ए फर्म मीन्स पार्टनर इन द फर्म, तो पार्टनर की भी बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, AO की भी बात हो रही है, BOI की भी बात हो रही है, आप BOI जितने भी इनकम टैक्स के तहत कैटेगरीज पढ़ते हैं उन सबको हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। बात आ गई सबको समझ में। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ए कंपनी मे बी प्रोसिक्यूटेड
नॉट विदस्टैंडिंग वेदर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कन्विक्शन ऑफ एनी लीगल ज्यूरिडिक्शन पर्सन शैल बी कंटिजेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑल्सो. तो एक इंडिविजुअल के ऊपर भी ये बात लागू होती है जैसे एक कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर लागू होती है. तो जैसा मैंने कहा एक इंडिविजुअल के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, BOI के ऊपर, म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट के ऊपर, LLPs के ऊपर या कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, सभी के ऊपर बराबर लागू होता है. ये एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में इसने क्लियर कर दिया है. तो आप कंपनी का मतलब कंपनी एक्ट के तहत डिफाइन कंपनी नहीं मानेंगे, ये सबको डिफाइन कर रहा है इंडिविजुअल से लेके कंपनी तक. चलिए तो ये तो बात हुई सारी हमारी PMLA के तहत की गई बातों की. एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, आओ उसको पढ़ देते हैं और फिर फिनिश करते हैं आज के इस वीडियो को, हम लोग सीरीज के अंतिम 5वें वीडियो को. अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद जो नई सीरीज हम लाने जा रहे हैं कौन सी के सिनेरियो बेस्ड रिविजन्स की और उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस की जो आपको हमारे ऐप पे भी मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द आपके साथ में. आपके एग्जाम अभी दूर हैं, 29 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं और ये अभी मई चल रहा है, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको देने जा रहे हैं. हमसे जुड़े रहें, स्टे ट्यून टू आर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आर वीडियोज एंड आर ऐप इन्फॉर्मेशन टू नीडेड स्टूडेंट्स. एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स आप जिम्मेदारी लें, उनके साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स. और हमने बनाया है इनको फ्री है, आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए बनाया है, इसमें हमारा कोई लाभ का सौदा तो है ही नहीं. इसलिए मैं चाहूँगा जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी ये आप द्वारा लोगों की मदद होगी और इस सब का फायदा आप तक भी पहुंचेगा, बिकॉज शेयर करने का, केयर करने का जो फायदा दूसरों को मिलेगा उसका कुछ ना कुछ लाभ आप तक भी जरूर आएगा. जब आप भलाई करते हैं तो भलाई भी आप तक वापस लौट के जरूर आया करती है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है. और चूंकि मैं रोज ही इसको अपनी जिंदगी में देखा करता हूँ तो मेरा मानना है आप ऐसी भलाई करेंगे, दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई हम चार्ज तो आपसे ले नहीं रहे. हमारे चैनल भी आप स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है और हमारे ऐप भी आप स्टूडेंट को डेडिकेटेड है. इसलिए जैसा चैनल को आपने हमारा प्यार दिया है वैसे मैं चाहूँगा ऐप को भी आप डाउनलोड करें. गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, पत्रस सर के नाम से अवेलेबल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पाएंगे, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल को लेके आप हमारी ई बुक्स पाएंगे, हमारी टेस्ट सीरीज पाएंगे, हमारे वीडियोस पाएंगे, हमारे काउंसलिंग सेशन पाएंगे, हमारी लाइव क्लासेस पाएंगे, आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, आपके बहुत सारी और तरीके की मेंटरिंग होगी और बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर और लाने जा रहे हैं. और बहुत अच्छा ऐप ये बनाया गया है और बहुत सारी चीज़ें नाइट विजन उसके अंदर अवेलेबल है. आप उस बुक को, ई बुक को पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसके अंदर बुक मार्क कर सकते हैं. और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉपी किताब का जिसके साथ मिलकर हमने लॉन्च किया, जिसके 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं. आप उसकी साइट पर देख सकते हैं दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है. डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये अग्रणी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हमने इस चीज़ को आपके साथ लाने की कोशिश की है. तो आओ पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट को. ए में पढ़ेंगे की प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट. वैसे तो हम पढ़ चुके हैं अपने कोर्स में पर अमेंड क्या हुआ है आओ उसको अब देख लेते हैं अपन. सम ऑफ द की प्रोविजन ऑफ द IT रिलेटेड ऑफेंसेस एज इंपैक्टिंग द बैंक्स आर गिवन हियर. बैंक्स रिलेटेड जो जो परिवर्तन हुआ है वो हम यहाँ देने जा रहे हैं आपको. सेक्शन 43 वैसे तो पढ़ा था अपन ने वहाँ पर यहाँ पे अपन बैंक्स रिलेटेड क्या ऑफेंसेस है उसको अमेंडमेंट के तौर पर पढ़ेंगे. सेक्शन 43 पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर द डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा. तो 43 में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम जो बैंक में यूज होते हैं इंडिविजुअल और नेटवर्क में या सर्वर उनके ऊपर कोई अगर अटैक करता है तो उसको हम लोग पेनल्टी और कंपनसेशन के तहत मानेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन अमेंडमेंट के तौर पे यहाँ दे रखी है. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन. कंप्यूटर कंटेनमेंट का मतलब क्या. कंप्यूटर कंटेनमेंट मींस एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट आर डिजाइन. तो कंप्यूटर कंटेनमेंट का मतलब कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा कंप्यूटर के डेटाबेस तक हमारी पहुंच बनती है तो उसको अपन पेनल्टी के सेक्शन के तहत मानेंगे. इस इंस्ट्रक्शन से आप क्या करेंगे टू मॉडिफाई टू डिस्ट्रॉय टू रिकॉर्ड टू ट्रांसमिट डेटा और प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन द्वारा जिसे कंप्यूटर कंटेनमेंट कहा गया है अगर आप डेटा को मॉडिफाई करते हैं कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं डिलीट करते हैं रिकॉर्ड करते हैं और अनऑथोराइज तरीके से ट्रांसमिट करके किसी को पहुंचाते हैं तो उसको हम पेनल्टी और कंपनसेशन में ऑफेंस मानते हुए आपको प्रोसिक्यूट करेंगे. ऐसा सेक्शन 43 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमने कहा है बैंकों के लिए. बी बाय एनी मीन्स टू यूजरअप का मतलब होता है डिस्टर्ब करना टू नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क है ना. अब जैसे इस कोविड सिचुएशन में
बैंक ब्रांच ऑपरेशन तो बहुत मिनिमाइज किए हुए हमने, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें, भीड़ भाड़ लगानी नहीं है। तो ऐसे में किसी बैंक के ऑपरेशन को, बैंक के सर्वर को आप जानबूझ के डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसको ऑपरेशन का डिस्टर्बेंस माना जाएगा, यूजर अप करना माना जाएगा, तो उसको भी हम लोग पेनल्टी के प्रावधानों में लाएंगे और उसके लिए भी कंपनसेट करेंगे बैंक को, और ये पेनल्टी आप पे इम्पोज की जाएगी जो इसको करेगा। सेकेंड है कंप्यूटर डेटाबेस। पहले में हमने कंप्यूटर कंटेंटमेंट की बात की थी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर डेटाबेस की। इट मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन इन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मलाइज मैनर और हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एंड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब क्या है, मैंने डेफिनेशन याद करने का तरीका क्लास पढ़ाते हुए बता दिया था आपको, है ना, वही है हमारा। केवल बीच का डेफिनेशन याद रखना है, पहला और अंत वाला आपको हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। इट डिफाइंस जो भी आ जाता है, फिर डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको। इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पहली बात, नॉलेज दूसरा, फैक्ट तीसरी बात, कंसेप्ट चौथी बात, इंस्ट्रक्शन किस में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक, इमेजेस चित्रों का आधार पर, ऑडियो जो हम सुन सकते हैं, वीडियो जो दिखाई देता है हमारे को, दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड जो प्रिपेयर किए जा चुके हैं, और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन फॉर्मलाइज्ड मैनर जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, और हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर जो बनाए जा चुके हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम से और उनके उपयोग के लिए है, उन सबको हम कंप्यूटर डेटाबेस मानेंगे। तो पहले में हमने क्या बात की, कंप्यूटर कंटेंटमेंट में क्या अमेंडमेंट आया वो देखा, अब कंप्यूटर डेटाबेस के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया। तीसरा, कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन भी डाल दी गई है। इट मींस एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, होता तो ये प्रोग्राम ही है ना, तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन से बनते हैं, इसलिए प्रोग्राम में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का है। इंफॉर्मेशन, डेटा और प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय, डैमेजेस, डिग्रेड्स और एडवर्सली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स और अटैचेज इटसेल्फ टू द अनदर कंप्यूटर रिसोर्स एंड ऑपरेट व्हेन प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और सम अदर इवेंट टेक प्लेस इन द कंप्यूटर रिसोर्स। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, कोई एक इंस्ट्रक्शन है, कोई एक इंफॉर्मेशन है, कोई एक डेटा है, कोई एक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी बने हुए किसी प्रोग्राम को या डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी लाता है या उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्स को, और उसके साथ अटैच हो जाता है और किसी दूसरे प्रोग्राम तक या किसी दूसरे कंप्यूटर तक अपनी पहुंच बनाता है, उसके डेटा और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने में खराबी लाता है, तो ऐसी सब चीज़ों को कंप्यूटर वायरस कहा जाएगा। ये इंक्लूड किया गया, पहले ये बताया नहीं जाता था, मतलब ये ऑफिशियली नहीं था, पर हम तो क्लासों में पढ़ाते हुए आपको कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन बता चुके हैं। वायरस शब्द अपने आप में क्या है, एक एब्रीवेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी, ये अपने आप में मिस्चीफ मेकर्स द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, डैमेज नाम की एक डेफिनेशन डाली गई है अमेंडमेंट में। इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, डिलीट, एड, मॉडिफाई और रीअरेंज एनी कंप्यूटर रिसोर्स बाय एनी मीन्स। तो डैमेज का मतलब क्या है, या तो आप डिस्ट्रॉय कर दो उसको, खत्म ही कर दो, या उसको ऑल्टर कर दो, बदल के रख दो, या डिलीट कर दो, या उसमें कुछ चीज ऐड कर दो उसे कंफ्यूज करने के लिए, या उसको मॉडिफाई कर दो, या उसको रीअरेंज कर दो, सॉर्ट ही कर दो, तो अगले के लिए तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी नहीं ये सारी चीजें, है ना। हालांकि इससे जुड़ी हुई चीज नहीं है, पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कई बार जब हॉस्टलर्स होते हैं ना हमारे यहाँ, वो क्या करते हैं, जैसे गर्मी के दिन चल रहे होते हैं तो मिट्टी मिट्टी उड़ती है ना, पतली पतली धूल आया करती है, तो क्या करते हैं अपने टेबल के कांच के ऊपर या टेबल के ऊपर ही जो मिट्टी जम जाती है उसके ऊपर किसी का फोन नंबर वगैरह लिख दिया करते हैं। अब किसका लिखते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसका नंबर लिखा करते हो ऐसे। अब होता क्या है, सफाई करने के लिए आया करती है, हमारे हॉस्टल में बाइयाँ रखी हुई हमने, हमारे एक्सेल हॉस्टल में भी सफाई ऐसी होती है, तो फिर क्या होता है वो आके सब साफ सफाई कर दिया करती है। अब साफ सफाई होने पर क्या होता है, नंबर चला जाया करता है, तो बेसिकली वो नंबर जो चला जाना है वो उस स्टूडेंट के लिए जिसने लिखा है उसके लिए क्या है, एक तरीके का डैमेज ही है ना, है ना, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूँ, तो ये एक डैमेज ही है, उसे पूछ के करना चाहिए था, तो कई बार सफाई भी ऐसी भारी पड़ जाया करती है। तो ये मजाक की बात थी जो मैंने समझाने के लिए कही, पर मैं सीरियस नोट पे कहूँ, अगर किसी के डेटा को उससे बिना पूछे रीअरेंज कर देते हो, सॉर्ट कर देते हो, तो बेसिकली उसको उस डेटा को, अपने डेटा को ही समझने में दिक्कत आया करती है, तो एक तरीके का डेटा में डैमेज माना जाएगा। वही हमने कहा है, डिस्ट्रॉय करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, रीअरेंज करना भी एक तरीके का डैमेज है। लास्ट, कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब क्या, इसे ज्वेल इन द क्राउन कहा करते हैं, मतलब कंप्यूटर का प्रोग्राम जो आपने लिखा है। इट मीन्स लिस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन, लेआउट, ये एक तरीके से हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर के तहत कवर होता है, एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म, जिसको कोई भी व्यक्ति अगर छेड़छाड़ करता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में माना जाएगा।
तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नई चीज़ें जो जोड़ी है उसको डिस्कस किया। सेक्शन 43 में ये इंक्लूड हुए हैं। हमने पहला कंप्यूटर कंटेनमेंट देखा, दूसरा कंप्यूटर डेटाबेस देखा, तीसरा कंप्यूटर वायरस देखा, चौथा डैमेज देखा, पांचवा कंप्यूटर सोर्स कोड देखा। आओ अब पढ़ के ख़त्म करते हैं अपन। सेक्शन 43A कंपनसेशन ऑफ फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा, ये एक नया और हमने अमेंड करके लाया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। सेक्शन 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा, ये जो बैंकों के पास डेटा उपलब्ध होता है अगर वो उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाबिल रहती हैं तो ऐसे केसेस में क्या कंपनसेशन इंडिविजुअल को मिलना चाहिए या उस इंडिविजुअल को मिलना चाहिए या एंटिटी को मिलना चाहिए उसकी बात करते हैं अपन। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पजेसिंग डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जिसको अपन SPDI के तहत पढ़ चुके हैं, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्री हो सकती है, आपके एजुकेशन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप SPDI के तहत मानते हैं, और इन्फॉर्मेशन इन द पर्सनल कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ओन्स, जो उससे बिलोंग करती है, कंट्रोल और ऑपरेट, इज नेग्लिजेंट इन इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द रेस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड देयर बाय कॉजेज द रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन, सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय द वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो इफेक्टेड। जैसे फेसबुक के ऊपर अपना पर्सनल डेटा रखा है, जैसे मैंने पेटीएम को मैं यूज़ करता हूँ या मैं गूगल पे को यूज़ करता हूँ, मैंने आधार का डेटा रख दिया और वो आधार का मेरा डेटा जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे थंब की इंप्रेशन है, वो तो पर्सनल है ना, मेरा आधार नंबर तो सबको पता होता है लेकिन बाकी की जानकारी, मेरे थंब का इंप्रेशन, मेरे हैंड का इंप्रेशन, वो तो मेरी पर्सनल है। अगर वो जो उनके पास रखा था वो पब्लिक हो जाता है, मेरे पैन कार्ड की डिटेल पब्लिक हो जाती है, मेरी फाइनेंशियल डिटेल पब्लिक हो जाती है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जो रखी हुई है वो पब्लिक हो जाती है, तो उस सबको हम क्या मानेंगे, ग्रॉस नेग्लिजेंस मानेंगे आपके काम में, और जिस एंटिटी के पोजिशन में ये था वो नेग्लिजेंट माना जाएगा और उसके उसको हम नियमों का उल्लंघन मानते हुए पेनल्टी के प्रावधान में लाएंगे और बकायदे उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, ये कह रहा है सेक्शन 43A में। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एनी कंपनी एंड इंक्लूड ए फर्म, सोल प्रोपराइटरशिप और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंगेज इन कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक बीच में जितने भी आते हैं सब कवर्ड है, तो यहाँ कंपनी को मतलब कंपनी मत मानो, जो कंपनी एक्ट के तहत डिफाइंड होती है यहाँ सबको मान रहे हैं अपन। सेकेंड, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर मीन्स सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, डैमेज, यूज, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर और इम्पेयरमेंट, मतलब कामों में कमी के कारण जानकारी पब्लिक हो जाना, और मे बी स्पेसिफाइड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और मे बी स्पेसिफाइड एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स एंड इन द एबसेंस ऑफ सच एग्रीमेंट ऑफ एनी लॉ सच रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशन इट मे डीम फिट। इसमें रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रोसीजर्स का मतलब होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम कायदे बना रखे हैं, या RBI ने कोई नियम कायदे बना रखे हैं, या दो पार्टियों के बीच कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, जैसा मैं कॉपी किताब के ऊपर अपना IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डेटा रखा करता हूँ, तो बकायदे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना करते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊँ क्या आपको, देखो एक हमारे दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ये कहाँ गया भाई, चलिए आपको बताते हैं कहाँ गया वो, ये रहा एग्रीमेंट, देखें सभी लोग इस एग्रीमेंट को, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन टू पार्टी, बिटवीन मी एंड कॉपी किताब, देख रहे हैं सब लोग क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन 6th day of April 2020 एंड बिटवीन, किसके लिए, माई क्लासरूम, किस किस के बीच में आ रहा है भाई, दिख रहा है सबको, दिखाई दे रहा है सबको, किस किस के बीच में हो रहा है, लिखा हुआ रहा है प्रोफेसर JS बत्रा द पब्लिशर एंड लाइसेंसर, और किसके बीच में हो रहा है, डिजिटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बात आ रही है सबके, सब बात समझ में, तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ऑथराइज यूजर कौन होगा क्या होगा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा किन टर्म्स एंड कंडीशन को होगा, पर मैंने एक चीज छोटी सी बताने की कोशिश की, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमारी क्लासेस में आप हमेशा, आपको अक्सर क्या कहा करते हैं, आपको सारे एग्जाम्पल रियल टाइम मिलेंगे,
हम कोई भी बात हाइपोथेटिकल नहीं करते हमारे इन लेक्चर्स में, हम हर बात को रियल टाइम करते हैं। तो आज रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के लिए हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो किस तरीके से रखेंगे, वो DRM टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। DRM मतलब अगर मैं नहीं चाहता मेरे लेक्चर्स डाउनलोड नहीं हो तो वो डाउनलोड नहीं होने देंगे, अगर मैं चाहता हूँ वो रीड ओनली मोड में रहें तो रीड ओनली मोड में रहेंगे, मैं नहीं चाहता उनको कोई मॉडिफाई कर सके तो मॉडिफाई नहीं होंगे। इसको नाम क्या दिया गया है? DRM टेक्नोलॉजी। तो ये रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रैक्टिसेस में आता है। चलिए तीसरी बात करते हैं, लास्ट बात, सेंसिटिव पर्सनल एंड डेटा इन्फॉर्मेशन, वो तो हमने पढ़ाया हुआ आपको, SPDI एक्ट कहा करते हैं, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में हमने पढ़ाया, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था हमने यही। इसमें इट मींस सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपके आपकी पर्सनल जानकारियां, आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम, आपके पिन नंबर, आपकी बायोमेट्रिक जानकारियां, आपके मेडिकल रिकॉर्ड, आपकी और हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हम SPDI के तहत कहा कवर करते हैं। गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सच प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशन एस मे इट डीम फिट, तो उसको अपन सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मानते हैं, SPDI में मानते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। आओ अब रिवर्स चलते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट बता देते हैं जुलाई और अगस्त के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। इस बैंकिंग रेगुलेशन के तहत ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, फिर से मैं रिवर्स चल के बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ा भाई अपन ने इसमें। देखो सबसे पहले अपन ने इसमें रिवर्स चल रहा हूँ, सेक्शन 43A में कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 43 में क्या पढ़ा अपन ने, 43 में अपन ने पढ़ा पेनल्टी देन कंपनसेशन पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, की प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट पढ़ा अपन ने। बात आ रही है सबको समझ में? तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ के आ चुके हैं, पेज 46 पे ये सारी चीज़ें अमेंड हुई है हमारे लिए। बात आ गई सबको समझ में? तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट मान रहा हूँ जुलाई और अगस्त 20 के लिए, आप इसे इम्पॉर्टेंट माने और इसको तैयार कर लें, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बड़े लेवल पे सेक्शन 43 और 43A दोनों डाले हैं, तो इसको आपको तैयार करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए और ऊपर चलते हैं अपन। अब देखो हमने क्या और डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, तो ये हमने डिस्कस किया था 5.5.4, ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा इम्पॉर्टेंट है जुलाई और अगस्त 20 के लिए, मेरे हिसाब से आपको पूरा तैयार कर लेना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्या क्या पढ़ा था अपन ने, सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 63, सेक्शन 70 को डिस्कस किया था अपन ने, जिसमें चैप्टर नंबर 2 में एक सेक्शन था, सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, इसको आपको करना है। फिर चैप्टर 4 में 2 सेक्शन थे, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 12 रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए, और सेक्शन 13 था हमारा किसके लिए, पावर्स ऑफ द डायरेक्टर के लिए। उसके बाद अपन ने 2 सेक्शन डिस्कस किए थे, चैप्टर 10 में मिसली ने सेक्शन 63 और 70, सेक्शन 63 था पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए, और सेक्शन 70 था हमारा ऑफेंस ऑफ द कंपनी के लिए। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है इसके लिए जुलाई और अगस्त 20 में, इंपॉर्टेंट जो हो रहा है एग्जाम उसके लिए। सिक्योरिटी पॉलिसी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बार रीड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ आप, रिस्क की तैयारी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया है, तो हमें लगता है उसे आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। तो मेरे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है जुलाई और अगस्त 20 के लिए, आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है। 6 तरीके की रिस्क थी हमें तैयार कर लेनी है, कौन सी 6 रिस्क थी याद कर लो ना, ऑपरेशनल रिस्क मतलब ऑपरेशंस आर स्टॉप, सेकंड क्रेडिट रिस्क मतलब आपका लोन रिकवरेबल पोजीशन में NPM पहुंच गया, मार्केट रिस्क आपकी इक्विटी प्राइसेस घट गए, इंटरेस्ट रेट घट गए, स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब आपका कॉम्पिटिटर आ गया उसने ऐसी हालत खराब कर दी आपकी पूछो मत, कंप्लायंसेज रिस्क आप लॉज एंड रेगुलेशन को अबाइड बाय नहीं कर पाए, और छठा IT रिस्क, ठीक है। IT में 4 पढ़े थे अपन ने, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, सेवरल एंड एक्सेस कंट्रोल, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और मैंने मेरे ख्याल से बातों में याद ही करा दिया आपको। उसके ऊपर अपन ने 6 तरीके के ओवरव्यू में डिस्कशन किए थे, लास्ट था, चलो शुरू से बता देता हूँ मैं, हमने ओवरव्यू में पढ़े थे, इसको भी मैं इम्पॉर्टेंट मान कर रहा हूँ जुलाई और अगस्त 20 के लिए, इम्पॉर्टेंट है ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। 6 चीज़ें पढ़ी थी हमने, पहला बैक ऑफिस मतलब जो फ्रंट ऑफिस की तरह डील नहीं करते, नॉट क्लाइंट फेसिंग होते हैं, दूसरा डेटा वेयर हाउस मतलब जो कलेक्शन ऑफ बैंकिंग डेटा होता है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो कि क्रेडिट कार्ड संबंधित सारे ऑपरेशंस को मैनेज किया करता है, ATM जो कि ATM ऑपरेशंस को उनके सर्वर्स के उनके ऑपरेशंस को बैकग्राउंड में मैनेज करता है, सेंट्रल सर्वर जो कि हमारे कोर होता है सेंट्रल ऑपरेशंस का और सारे बैंकों के ऑपरेशन को रियल टाइम में मैनेज करता है, छठा मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग थी, इसमें 4 चीज़ें पड़ी थी अपन ने, इंटरनेट बैंकिंग जो WWW पे होती है, फिर मोबाइल बैंकिंग जो स्मार्टफोन पे होती है, फोन बैंकिंग जो कि लैंडलाइन द्वारा या मोबाइल फोन द्वारा फोन करके बैंकों से ऑपरेशन किया जाता है, और चौथा बैंक की ब्रांच में होने वाले ऑपरेशंस, ये हमने पढ़े थे, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो बेसिकली देखा जाए तो पांचवा चैप्टर अति इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। सब लोग अच्छे से तैयार करना, मेरी बात याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा जुलाई अगस्त में, या हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी डिले हो जाए, या हो सकता है ना भी हो, हो सकता है इसको कंबाइंड कर दिया जाए नवंबर के एग्जाम के साथ में। वी हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। मैं और आप कहने से कुछ नहीं बनने वाला है। वैसे लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा 18 तारीख से, नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाने दो, अभी अभी हमारे पास समय बनता है। आप अपनी तैयारी मत रोकें, आप लगातार तैयारी करें और मोटिवेटेड रहें। और इस लास्ट वीडियो के बाद भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और मैं बहुत सारी चीज़ें लाने जा रहा हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें www.patrasar.com से। हमारे टिकर में आप उन सारी चीज़ों की जानकारी भी देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपके पास आ भी रहा होगा, ये फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा जो व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, आप अपनी बातें उस पर रख सकते हैं। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम रखते चले जाते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए आने जा रही है। तो चैप्टर 5 में चारों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओरियो बैंकिंग सिस्टम की 6 चीज़ें, उसके बाद रिस्क की 6 चीज़ें, और सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये सारे एक्ट के हमारे जितने भी सेक्शंस थे वो, और फिर हमारे आईटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको भी आपको कर लेना है। तो ये था हमारा अमेंडमेंट का लास्ट तरीका, जिसको हमने समझने की कोशिश की। होपफुली आपको सब चीज़ें ढंग से समझ में आ गई होंगी, और अब इंतज़ार करें आप हमारे अगले वीडियो का। बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो द्वारा आपसे मुखातिब होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएंगे। जैसे मैंने कहा, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू कैसे आएंगे ईआईएस के। फिर मैं एक सीरीज शुरू करूँगा केस सिनारियो बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे एसएम में, उसकी भी मैं बात करूँगा। और इसके अलावा समय समय पर बीच बीच में आपको कई तरीके के मोटिवेशनल और काउंसलिंग सेशन के द्वारा भी हम लोग अपडेट रखेंगे, ताकि जुलाई अगस्त के आपके एग्जाम में आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं है। एंड यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन नंबर 9414127751, टिकर में आ रहा है हमारा, ये आप सब लोगों को पता है। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी नई सीरीज़ द्वारा मैं आपसे जुड़ा रहूँ, और कोई एक समय भी मैं नियत कर रहा हूँ जब मैं आपके साथ रोज़ आके बातचीत करूँ, और हम भी कुछ मन की बात करें आपके साथ में कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाह रही है और इस सब्जेक्ट पे क्या आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को अकोमोडेट करके लगातार बने रहें और लगातार इस पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। नई चीज़ें और जो अनवेल होंगी हमारे सामने, इंस्टीट्यूट कहेगा, बहुत जल्दी हम नई नई तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। फॉर द टाइम बींग गुड बाय फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।